से बेसिकली गाइस यहाँ पर हम लोग किस लिए हैं, यहाँ पर हम लोग इसलिए हैं कि हम सब को अगर भीम के अंदर कैरियर बनाना है तो व्हाट इज द राइट पाथ टू मेक योर कैरियर इन बीआईएम। तो देखिए उसके लिए क्या बोलते हैं, हमने दो प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हुए हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो वो दो प्रोग्राम्स कौन से हैं गाइस, एक प्रोग्राम तो गुरुकुल है और टचवुड ऊपर वाले की दया से वो गुरुकुल प्रोग्राम अपना बहुत अच्छे से, उसमें बहुत लोगों को सफलता मिल रही है। आज भी एक कोई क्विक कैट करके कंपनी है, उसमें अपना एक स्टूडेंट है करण, 5.5 का पैकेज पाया। मतलब बेसिकली ये है कि उसमें मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये बोलूँ कि मैंने दिलाया है गलत होगा बोलना, रोल उस लड़के का है क्योंकि मेहनत उस लड़के ने किया। तो बीआईएम के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री गाइस इस समय करंट मार्केट में है कि इसके अंदर जो एक्सपर्ट है, जो थोड़ा सा कम भी एक्सपर्ट है, बस पेशेंस अच्छा है उसके पास, प्रैक्टिस अच्छा कर सकता है, वो बीआईएम में करियर वो बना ले रहा है। ठीक है, तो उसी पर्सपेक्टिव में हमने आपके लिए बीआईएम स्टार्ट किया और आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं और अच्छी बात है। आप लोग को कंप्लीट बीआईएम सीखने के लिए हम लोग गुरुकुल प्रोग्राम में जाते हैं। बट ये आज ही जो बेसिकली आपको बताने वाला हूँ, ऐसे कई ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, जिनको यूनिक सिविल का गुरुकुल प्रोग्राम नहीं पता रहता है, या फिर उनको लगता है कि मैं ऑफलाइन में ही, क्योंकि एक सोच हो जाती है ना कि ऑफलाइन हमारे लिए अच्छा होगा, होता नहीं बट ऐसा एक सोच हमारे पास आ जाता है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो अगर आपने बीआईएम सीख रखा है, बट बीम के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर सीख रखे हैं, बट बीम के अंदर केवल सॉफ्टवेयर सीखने से जॉब नहीं लगती है, जो लोग इंटरव्यू दिए होंगे उनको पता होगा, उसमें लगता है कॉन्सेप्ट्स की नीड लगती है। कॉन्सेप्ट्स के अलावा आपको क्या बोलते हैं, कई लोग अभी लेट आए हैं तो लिंक से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अगर क्या बोलते हैं, कोई लिंक शेयर कर रहा है तो प्लीज अब मत करिएगा, ठीक है, लिंक मत शेयर करिएगा, कैसे हम जो लोग हैं अच्छे से समझ जाए चीजों को तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो कोई लिंक प्लीज मत शेयर करिए, अभी बार बार टिक टिक होता रहेगा, मजा नहीं आएगा, जो फोकस है वो आ चुके हैं। ठीक है, तो गाइस बेसिकली क्या बोलते हैं, ओके नीतीश भी आ गए, हमारे स्टूडेंट है। तो बेसिकली गाइस हम लोग जो बीम के गुरुकुल प्रोग्राम के अंदर सीखते हैं 4 महीने में, ठीक है, उसके लिए तो देखो उसमें रॉ पूरा स्टार्ट से सीखते हैं। कई ढेर सारे स्टूडेंट यहाँ पर जानते हैं कि अपन लाइन कमांड से स्टार्ट करते हैं, पहले ऑटोकैड सीखते हैं, फिर रेबिट सीखते हैं, फिर रेबिट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमएपी सीखते हैं, फिर नेविस वर सीखते हैं, फिर टेक्ला सीखते हैं। नो डाउट दैट इज बेस्ट, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। बट क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे कि अगर कहीं और से उन्होंने सीख रखा है कोई कोर्स, या फिर अपने वीडियो लेक्चर से सीख रखा है, तो उनके अंदर वो परफेक्शन नहीं रहता है, उनके अंदर वो परफेक्शन नहीं रहता है कि वो जॉब पा सके। ठीक है, तो उस परफेक्शन को पाने के लिए, उस परफेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो बता देता हूँ आपको। जनरली हमारे जॉब न पाने में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है वो प्रॉब्लम रहता है कि हम कंपनी को प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि हमको आता कितना है, हम कंपनी को प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि हमको आता कितना है, तो वो एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो उसके लिए अगर हम लोग, अरे यार बीच बीच में आते तो टिक टिक होता है, अरे बाप रे, ओके ठीक है, अभी कोशिश करिए यार कोई ना आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, उसके अंदर हम लोग जब तक सामने वाले को ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि हमने सॉफ्टवेयर को सीखा हुआ है अच्छे तरीके से, तब तक सामने वाले का कॉन्फिडेंस रेज नहीं होता है, तब तक उसका सामने वाले का कॉन्फिडेंस, मैं इसको हायर करूं कि ना करूं कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए कि हाँ यार कुछ ऐसा सीख के जाऊं कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस अच्छे से रेज हो जाए, सामने वाले को कॉन्फिडेंस अच्छे से रेज हो जाए। उसके लिए पोर्टफोलियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए, पहली बात तो क्या होता है कि 50% या बोलो कि 80% लोगों के पास तो पोर्टफोलियो नहीं होता है, तो बीम में सामने वाली कंपनी को कॉन्फिडेंस कैसे आए, पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या होती है गाइस कि चलो पोर्टफोलियो तो बना लिया है, अब पोर्टफोलियो में होना क्या क्या चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी होटल में जाते हो, तो होटल में जाओगे तो आप भाई उससे पूछोगे भाई कढ़ाई पनीर है क्या, फिर पूछोगे होटल नहीं भाई, सर, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है नहीं, होटल में अभी के लिए होटल पे चले जाओ, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, होटल में जाओगे कढ़ाई पनीर है क्या, फिर आप पूछोगे ये है क्या, फिर पूछोगे चाय है क्या, जो भी चीज़ आपको खानी पीनी है। तो होटल में गए, आपने वो सारी चीज़ें पूछा, अब वो बार बार बोलेगा, बड़ा अनप्रोफेशनल लगेगा आपको, बड़ा अनप्रोफेशनल लगेगा। उसके बाद अगर उसने बोल दिया कढ़ाई पनीर 600 रुपये का है, आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हारे पास मेनू बार तक तो है नहीं और 600 रुपये का कढ़ाई पनीर दे रहे हो, ठीक है, एक समस्या आ गई। तो इसलिए हमारे पास कैट जो पोर्टफोलियो बनना चाहिए, उस पोर्टफोलियो में हर एक वो चीज होनी चाहिए जो बीम टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि उसके अंदर आपको सेक्शन एलिवेशन का नॉलेज है क्या, रेविट के अंदर
बहुत अच्छी बात है, उसके कुछ सेक्शन दिखाइए, शेड्यूलिंग का नॉलेज है क्या, कुल मिला के पोर्टफोलियो को बनाइए तो डेप्थ पोर्टफोलियो, जिसको देखने के बाद एक अंदर से सेटिस्फेक्शन फील हो कि हाँ यार इसने कुछ सीखा हुआ है। और ऐसा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, मैं दिखाता रहता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, कि जिसका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रहता है, बड़ा देखने के बाद सुकून महसूस होता है। पता नहीं आप लोगों ने वो ऑब्जर्व किया है कि नहीं, मैंने किया हुआ है। अगर अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा, देखने के बाद लगता है क्या मेहनती इंसान है और कितना अच्छा लगता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा पोर्टफोलियो नहीं रहेगा तो कंपनी को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है गाइस, नेक्स्ट चीज़ होती है कि स्वाभाविक सी बात है, अजय कितने अच्छे स्टूडेंट हैं मुझे कैसे पता। अजय हो सकता है बहुत अच्छे हो सकता है अजय बहुत खराब हो, ठीक है, या फिर अभिषेक बहुत अच्छे हैं बहुत खराब हो, कंपनी कैसे जज करे। तो कंपनी के पास जज करने के लिए बस एक ही चीज रहता है, जिसका नाम है रिज्यूम, ठीक है। अब अगर आपने बेहतर रिज्यूम बना लिया, स्वाभाविक सी बात है कंपनी को समझ आ जाता है कि हाँ, क्योंकि देखिए कैसे रिज्यूम ही उसका सबसे बड़ा जजमेंट होता है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड होंगे, उनको पता होगा कि आपका कभी फोटो जाता है किसी नेक्स्ट पार्टी को, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके बाद वो मांगते हैं आप बायोडाटा देना अपना। क्या देना? बायोडाटा। बायोडाटा मांगते क्यों है? क्योंकि आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं पास्ट में, कितने खराब कर्म, कितनी आपकी गर्लफ्रेंड रही हैं, कितने आपके बॉयफ्रेंड रहे हैं, किसी को कुछ मैटर नहीं करता है। वहां पर क्या आपका बायोडाटा डिसाइड करता है, बायोडाटा से समझ आता है कि आपका पिछला रिकॉर्ड, आप पढ़ाई में कैसे थे। तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ा सा उसमें जजमेंट घर का भी किया जाता है कि घर के लोग कैसे हैं, भाई बहन क्या करते हैं ना, एवरीथिंग, ठीक है। उसे एक सिनेरियो लगाया जाता है कि हाँ ये भी लड़का ऐसे ऐसे कुछ होगा। तो सेम चीज़ कंपनी के साथ रिज्यूम के रूप में कन्वर्ट होता है कि आपने कहाँ पर काम किया है, काम नहीं किया, अच्छा कुछ सीखा हुआ है तो क्या सीखा हुआ है। तो उसके बारे में रिज्यूम अगर आप अच्छे से नहीं बनाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका सिलेक्शन अच्छी कंपनी में नहीं होता। दूसरी चीज, अब आजकल थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुका है, कंपनीज के अंदर क्या होता है गाइस, एटीएस आ चुका है। अब एटीएस क्या होता है? एटीएस है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो अब कंपनी ने आपके रिज्यूम को, पहले क्या होता था मेल आप करो, फिर मेल को चेक करते थे, फिर ये वो। अब जो बड़ी बड़ी रैमबॉल है, कोबी इंडिया है, एटकिंस है, ई कॉम है, ये सब लेवल की जो कंपनियां हैं ना, ये आपके रिज्यूम को पर्सनली चेक नहीं करती हैं। प्लस ये भी बोलो कि एचआर को नहीं पता रहता कि टेक्निकल क्या क्या चीजें चाहिए, तो एचआर लोग क्या करती हैं, उनके पास उन्होंने एटीएस का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, आपके रिज्यूम को एटीएस में डाल देंगे, और उसके बाद टेक्निकल पर्सन जो उस टीम का है, जिस टीम को एम्प्लॉय चाहिए, उस टीम से पूछ लेते हैं कि भैया आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने एक दे दिया जिसको जेडी हम लोग बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, कि हमें ये चीज़ कैंडिडेट के अंदर चाहिए, बाकी आप देख लो। तो आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर एटीएस के अंदर उन्होंने जेडी डाल दिया, और एक तरफ 250-300-400 रिज्यूमे डाल दिया। एक क्लिक किया, एटीएस डिटेक्ट करेगा कीवर्ड्स, अच्छा इनको जरूरत है रेविट की, इसमें है क्या है, इनको जरूरत है कि इस बंदे को कॉल आउट कमांड के बारे में पता होना चाहिए, कोलेब्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसमें है क्या, अच्छा मैच किया मैच किया मैच किया, किसके में कितना बेहतर है कैसे पता चलेगा, वो कीवर्ड्स डिसाइड करेंगे। आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, तो ये वीडियोस जो रैंक करते हैं, तो वीडियोस रैंक करते हैं के क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स के थ्रू, ठीक है, जितने अच्छे कीवर्ड्स। अब जैसे कि हमने डाल दिया कि टॉप सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स, अब ये सर्च कौन करेगा, ये केवल सिविल इंजीनियर सर्च करेगा। लेकिन मैंने डाल दिया बीजेपी, मैंने डाल दिया मोदी जी, कौन सर्च करेगा, पूरा का पूरा आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे। तो मतलब वहां पर कीवर्ड्स ज्यादा हो गया, यहाँ कीवर्ड्स कम। तो रिज्यूम के अंदर क्या कीवर्ड्स चाहिए जो एटीएस को अच्छे लगे, उसकी थोड़ी सी हायरार्की होती है। बेहतर कर लिया तो आपके सीवी हर जगह पे लगभग लगभग शॉर्टलिस्ट होने लगेगी। कभी कभी हम लोग करते तो हैं बट हो नहीं पाता, ठीक है, तो इसलिए कहाँ गड़बड़ी करते हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद गाइस, जैसे कि गुरुकुल के जो लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं गुरुकुल में, मैं डेली आपको प्रोजेक्ट दे देता हूँ, अब आप सिर्फ पटको, चाहे जो करो उस प्रोजेक्ट पर आप काम करते हो, ठीक है। कुछ लोग को अंदर से लगता होगा सर रोज काम कराते, बट उससे फायदा क्या होता है, वो सब प्रोजेक्ट करते करते आप अपने सामने जब बैठते हो तो ढेर सारी प्रैक्टिस हो जाती है। मेरे पास एक लड़का अभी कॉल किया समथिंग आयुष नेम से, ठीक है, तो उसने बोला सर क्या बोलते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपका वीडियो कोर्स ले लूँ क्या किसी स्टैट प्रो के लिए। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा स्टैट प्रो एक ऐसी चीज है जिसमें एनालिसिस नहीं करोगे, चेक नहीं करोगे, ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, सिर्फ लेक्चर देखना है, तो यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं होगा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रेज होगा। तो अपने बीम के अंदर क्या होगा कि जो मैं इस 4 महीने के प्रोग्राम, इसके बारे में तो अभी बताया ही नहीं, तो इसमें मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दूंगा, जिन प्रोजेक्ट्स को आप करोगे उसमें जो पार्ट नहीं कर पाओगे उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ और करूंगा, तो उससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो रेज होगा, ठीक
ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है, अगर जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, कम्युनिकेशन का। हमारी जवानी नहीं खुलती कि हमें जो बोलना है कैसे बोलूँ। आप अपने आसपास खोजते हो किसी को तो बोलता है देखो इंग्लिश हार्ड रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल बैकग्राउंड होता है उसमें ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, पता ही होगा आप लोगों को। तो अब इंग्लिश किससे बात करें, तो फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे समय भी, मेरा भी समय थोड़ा सा कीमती है, तो ऐसा नहीं कि कीमती मतलब कि दे नहीं सकते, बट हर समय हर बैचेस को मैं कंडक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने एक लोग से बात किया, मैंने बोला कि आप सिर्फ टॉपिक दे दो, कुछ करना नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब ये थोड़ी है कि आपको ईजीएमआर नहीं पता है, इस ये थोड़ी है कि आपको ट्रांसलेशन नहीं पता है। आपकी जो टूटी जबान है उसको सीधी करनी है, कैसे, बार बार बोल के, ठीक है। जैसे अभी अपन हिंदी में बोल रहे हैं कितना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे तो व्याकरण आता ही नहीं, संज्ञा की परिभाषा भी सही से याद नहीं होगा, ठीक है, और सर्वनाम और क्या बोलते हैं विशेषण वगैरह तो भूल जाओ, बट हिंदी बड़ी अच्छी बोल रहे हैं। क्यों? मोर प्रैक्टिस। तो इसीलिए हमने ये जो 4 महीने का प्रोग्राम है वो तो डेफिनेटली आप लोग करिए, उसको कंटिन्यू बेस्ट है। जो लोगों ने ऐसा है कि उन्होंने रैबिट सीख रखा है, नेविस्वर सीख रखा है, टिकला सीख रखा है, ऑटोकैड सीख रखा है, जॉब नहीं लग रही है, तो अगर आप चाहें तो 1 महीने के लिए, हमने क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं सर 4 महीना मैं नहीं रुक पाऊंगा, मेरे साथ ये है वगैरह वगैरह, तो आप 1 महीने का प्रोग्राम है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कराने वाले हैं कि रैबिट में क्या पूछ सकते हैं, स्टैट प्रो में क्या, सॉरी क्या बोलते हैं, नेविस्वर में क्या पूछ सकते हैं, टिकला में क्या पूछ सकते हैं, ऑटोकैड में क्या पूछ सकते हैं, डिटेल में पूरा डिस्कशन किया गया है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप ग्रुप अंकित शेयर कर देंगे, ग्रुप जो ग्रुप है वाला, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है कि हाँ सर मुझे बस जॉब लेनी है, बस बता दीजिए जॉब में क्या क्या पूछते हैं। जॉब के लिए, बीम के जॉब के लिए इंटरव्यू के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, बस उतने क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करना होता है। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर मॉक इंटरव्यू नहीं लेते, मॉक इंटरव्यू से क्या फायदा होता है, अभी आप इंटरव्यू में जाओगे, बिलीव करो मैं भी इंटरव्यू के लिए डरता था, आप भी डरते होगे कि यार जाऊंगा तो वहां पर क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, समझ में नहीं आता है। लेकिन जब मैं आपसे पूछ लूँ, सपोज मैंने अभिषेक से पूछ लिया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अभिषेक, तो पहली बार में अभिषेक को थोड़ा हेजिटेशन होगा। अगर अभिषेक गुरुकुल से है तो इनको पता होगा कि ये तो रोज का काम है, मतलब मैं हर मंडे को मॉक लेता हूँ, बट अगर नहीं तो क्या बोलूँ इंट्रोडक्शन में। मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, अब आप सोच रहे मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और जबकि ये क्वेश्चंस फिक्स हैं कि इंटरव्यू में आएंगे, और जब आपको बार बार बताना पड़े कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, व्हाट्स योर वीकनेस, व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट इन कॉलेज, और व्हाट इज BIM, व्हाट इज LOD, व्हाट इज कैन टू बी, जब बार बार बताना पड़े तो आप इस चीजों से यूज टू हो जाते हो। ये कुछ ऐसे ही जैसे कि अगर मेरे सामने पानी रखा है तो मुझे पीने के लिए सोचना नहीं है कि पीऊं कैसे, क्यों, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें मैंने रखा हुआ है कि क्योंकि सबसे बड़ा मेन पोर्शन मॉक इंटरव्यू ही है इसका, मंडे को भी फ्राइडे को भी, ठीक है, मॉक इतना यूज्ड टू हो जाओ मॉक से लगे कुछ है ही नहीं। उसके बाद जैसे आज हमारा एक स्टूडेंट है, क्या नाम है, प्रथमेश, शायद हो सकता है इसमें हो पता नहीं, तो प्रथमेश के साथ क्या है कि कल कल प्रथमेश का कैट टेस्ट है, कल टेक्निकल टेस्ट हुआ था। अब टेक्निकल टेस्ट तो उसका अच्छा होना ही था, मुझे पता था क्योंकि कई मॉक टेस्ट दे चुका है, बट कैट टेस्ट में क्या पूछ सकते हैं, कैसी ड्राइंग्स दे सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कौन करेगा। तो इसके लिए हमने इस 1 महीने के प्रोग्राम में उसको भी डाल दिया कि भैया कैट टेस्ट कैसे करेंगे, उसकी भी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद एक पिनेकल कंपनी में उसका इंटरव्यू है जिसमें 5 राउंड होता है, इसके बाद उम्मीद है कि उसका डायरेक्टर राउंड हो सकता है, या फिर अभी HR राउंड नहीं हुआ तो HR राउंड हो सकता है, और वैसे तो नहीं होगा बट कभी कभी MCQ टेस्ट होते हैं फर्स्ट राउंड में, उसका फर्स्ट राउंड में ही हो गया वो MCQ टेस्ट। तो MCQ में ऑटोकैड में क्या पूछ सकते हैं, रेविट में क्या पूछ सकते हैं, और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, वो सब जानना। तो अगर आप 1 महीने के अंदर प्रिपेयर होना चाहते हो कि सर मुझे बस 1 महीने में जो जो इम्पोर्टेंट है बता दीजिए, मेरा सिलेक्शन हो जाए किसी कंपनी में, मैं बार बार जा रहा हूँ हो नहीं रहा है, तो आप इस 1 महीने के प्रोग्राम में आना। बट इसमें वो लोग मत करना जिनको सॉफ्टवेयर नहीं आता है, रीजन क्या है, उसके लिए फिर आपको 4 महीने समय लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं आता तो 1 महीने में सॉफ्टवेयर आप सीख ही नहीं सकते। हाँ कॉन्फिडेंस नहीं है सॉफ्टवेयर में बट आता है तो ठीक है, क्योंकि मैं लाइव ले दूंगा आपको, प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको हो जाएगा। तो बस इतना सा समरी है, इसको 2 वर्ड में खत्म करता हूँ। कई लोग सोच रहे होंगे सर रील्स की दुनिया में ज्यादा लंबा मत खींचिए, ठीक है, बड़ा सोचना पड़ता है एज ए टीचर, बिलीव करो एज ए टीचर कभी कभी लगता है कि बड़े टॉपिक एक्सप्लेन करूं डर लगता है, क्यों, बहुत जल्दी दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है इस दुनिया में, तो आगे ये समस्या और बढ़ने वाली है, आप लोग भी देखेंगे आने वाले दिनों में। तो क्या बोलते हैं, अगर आप प्रिपेयर हैं सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए प्लेस नहीं हो रहे हैं, तो
तो इस एक मंथ के गुरुकुल प्रोग्राम का आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो इसको करना समझदारी नहीं है, ठीक है, करना ही मत, और मैं एडमिशन भी नहीं लूंगा, ठीक है। एडमिशन हम तभी लेते हैं जब हमको लगता है कि हाँ ये इंसान को थोड़ा सा ब्रश करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी नॉलेज ऐड करने की ज़रूरत है, और प्लेस हो जाएगा, तभी आपके लिए आ सकता है कि आप करिए। अदरवाइज आपको गुरुकुल में देना चाहिए समय, क्योंकि गुरुकुल में आप स्टार्ट टू एंड सीखते हो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ये गाइड करूंगा कि बीम के इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, कैट टेस्ट में क्या पूछेंगे, लाइव टेस्ट में क्या पूछेंगे। तो ये सोचें कि इसमें परफेक्शन आ जाएगा, तो नहीं, ये उनके लिए है जिनको ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आता है, रेविट आता है, बट इंटरव्यू में क्या पूछेंगे नहीं पता है, तब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोग के पास कई ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, तो हैंड रेस्ट कर लीजिए, और हैंड रेस्ट करके अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और हैंड रेस्ट करके रखिए, मैं 2 मिनट में जस्ट दिखा देता हूँ कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है। कई लोग बोले कि सर पीडीएफ वीडियो दिखाया नहीं, आप तो केवल बोल दिए क्या क्या करना है, ठीक है। और ये केवल बीम के लिए है, स्ट्रक्चर का प्रोग्राम अलग से आने वाला है, तो अगर किसी का माइंड में रहेगा सर स्ट्रक्चर के लिए, तो स्ट्रक्चर वालों के लिए बेनिफिशियल नहीं है अभी के लिए, ठीक है, ये सिर्फ बीम के लिए है। तो देखो भाई इसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इसे मैंने यूट्यूब पर दिखाया था आपको कि इसमें गाइस जो ये 1 महीने का प्रोग्राम है, इसके अंदर पहले तो मंडे और फ्राइडे को दमदार मॉक होने वाला है, खूब अच्छे से, ठीक है। जॉब जो कर रहे हैं वो मत करिएगा, क्योंकि इसका टाइमिंग है मॉर्निंग में 10 से 11, तो जॉब वालों के लिए अच्छा नहीं है ये, ठीक है। और जिसको सॉफ्टवेयर नहीं आता वो भी नहीं करेगा। इसके बाद मैं पोर्टफोलियो में आपको फुल गाइड करूंगा, जो मेरे गुरुकुल के स्टूडेंट बनाते हैं वैसा ही पोर्टफोलियो आपसे बनवाऊंगा। ATS फ्रेंडली रिज्यूम के बारे में बताऊंगा, कब रिज्यूम को फेंकना नहीं है, रिज्यूम को प्रॉपर कैसे कवर लेटर देना है वो बताऊंगा। 10 प्रोजेक्ट मैंने बोला है, हो सकता है ये 12-15 प्रोजेक्ट भी हो जाए, डिपेंड करेगा आपकी कैपेसिटी पे। उन प्रोजेक्ट्स पर प्रैक्टिस कराऊंगा, बनाओगे आप ही, सिर्फ जो पोर्शन नहीं बना पाओगे वहां मैं गाइड करूंगा। राइट वे क्या है अप्लाई करने के लिए, ये भी मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगा। इसके बाद हाउ टू अप्रोच फॉर द कंपनीज, कंपनीज को कैसे अप्रोच करें, ठीक है। एक दो लड़के इतना बढ़िया अप्रोच करते हैं कंपनी को कि उनका हर जगह शॉर्ट लिस्टिंग आता है, कुछ लोगों का अप्रोच ही गड़बड़ रहता है, किस तरीके से बात किया जाए उनकी शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं आती, वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। कैट टेस्ट में क्या क्या इंटरव्यूअर्स पूछ सकते हैं उसके बारे में गाइड करूंगा। लिंक्डइन की प्रोफाइल के बारे में गाइड करूंगा कि लिंक्डइन के प्रोफेशनल पोर्टफोलियो प्रोफाइल कैसी हो। MCQ टेस्ट में क्या पूछ सकते हैं, रिटन में क्या पूछ सकते हैं, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि मिक्स प्रपोजल से लेके कवर से लेके मेनी थिंग्स आर देयर, तो वो क्या क्या पूछ सकते हैं ये सब मैं आपको दूंगा, आप पढ़ के आएंगे, मॉक में मैं पूछ के आपको प्रिपेयर कराऊंगा। उसके बाद गाइस ऑटोकैड में, रेविट में, नेविसवर्क में, टिकला में, माइक्रोस्टेशन में, इस समय इंडस्ट्री क्या पूछ रही है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है JD, JD मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको कंपनी केवल 2 जगह से क्वेश्चन पूछेगी, एक आपके रिज्यूम से और एक आपके JD से यानी जॉब डिस्क्रिप्शन से, इसके अलावा तीसरा जगह नहीं होता है, इसलिए JD कैसे तैयार करना है उसको गाइड करूंगा। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं आपके 1 आवर्स का लगभग कम्युनिकेशन का रहेगा, कि उसमें कम्युनिकेशन कोई ग्रामर नहीं सिखाया जाएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड किया जाएगा कि देखो यार ये है, इन्फ्लुएंस के ऊपर चलिए बोलिए, पॉलिटिक्स के ऊपर बोलिए, कोई ना कोई ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिन टॉपिक्स पर आपको सिर्फ बोलना रहेगा। तो ये मत सोचिएगा कि इसमें कुछ ग्रामर वगैरह सिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 महीने में सब चीज़ें सिखाना पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन लेंगे, इरफान जी का क्वेश्चन लेते हैं पहले। यस इरफान बोलो, इरफान आप अपना माइक ऑन कर लीजिए आराम से, सभी लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिसका इसका भी क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, रत्नेश विश्वकर्मा जी से। रत्नेश बोलो। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। इरफान थोड़ा सा वेट करना, सॉरी अच्छा रत्नेश आप वेट कर लीजिए, जो आप सेकंड थे यस पहले इरफान ओके सर थे। यस इरफान ओके बोलिए सर। बोलिए। सर मेरा जो है सिविल इंजीनियरिंग 2016 में खत्म हुआ, अगस्त में, ठीक है। 2017 से 2021 तक मैं जॉब करता था, ठीक है, एज ए साइट इंजीनियर था मैं। 2021 में जो है लॉकडाउन के टाइम पे मैं जॉब चले गई थी, उसके बाद मैं बिजनेस शुरू कर लिया। करेक्ट। 2021 से लेके अब तक मैं बिजनेस में ही हूँ, लेकिन अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो है किस चीज बीम का? में मैं जो है बिजनेस, इसमें पूरा टॉय स्टोर डाला सर ने, अभी भी रनिंग ही है वो। नॉन टेक। जी हाँ ओके जी। तो वही अब फिल वक्त के उसमें जो है मैं ये सोच रहा हूँ कि बीम इंडस्ट्री में मेरे को फिर से जो है जंप इन करना है, तो हाँ वो हिसाब से मैं आपकी शायद 1 या 2 दिन पहले वीडियो देखा, उसके बाद व्हाट्सएप में मैसेज करा, ओके इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक आ गई है। अच्छा क्या एक बात एक है। से दो दिन नहीं हो गया ये हाँ हाँ हो जी, सकता है कुदरत ने मिला दिया हो, ऐसा भी हो कभी सकता है कभी होता है।
ठीक है, एक लड़का था विकास श्रीवास्तव करके, ठीक है, बड़ा प्राउडली मैं जी बता पाता हूँ उसके बारे में। जी पांच सर साल से वो क्या बोलते हैं साइट पर जॉब कर रहा था, सुबह शाम कब पता नहीं चल रहा था उसका। जी पता नहीं कैसे अचानक उसने मुझे कॉल कर दिया छठवें साल में, और कॉल कर दिया, और जनरली सच्चाई बताऊँ तो मैं सारे कॉल उठाता नहीं हूँ क्योंकि कॉल के नंबर अच्छा ज़्यादा होते हैं, बट उसका कॉल भी उठ गया। तो क्या बोलते हैं, मैंने कॉल उठाया, ऐसे उससे बात किया, उसका भी सेम सिचुएशन था, 5 साल हो गया था साइट पर। और फिर उसी समय हमने जस्ट स्टार्ट किया था गुरुकुल बैच के बारे में, तो उसको मैंने बताया, मैंने कहा यार मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा बट ये ज़रूर बोलूंगा, अगर तुमको ट्रस्ट है हमारे ऊपर तो हमें 4 महीने का समय दो और खूब जितना मेहनत जी करना मैं बोलूंगा उतना कर लो, पूरी कोशिश पूरी मन से लगा दूंगा कि तुम्हारा काम हो जाए, तुम बेहतर कर पाओ जो तुम सोच रहे हो। उसको नहीं पता था जी बीआईएम, नहीं पता था स्ट्रक्चर, उसको कुछ नहीं पता था, उसको सिर्फ साइट पता था। फिर मैंने उसको बहुत मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद उसने मेरे से ज़्यादा मेहनत किया डेफिनेटली, और मेहनत करने के बाद उसने बीम में एक बंगाल की कंपनी है वर्किन आर्किटेक्ट, कई लोग जानते होंगे, उसमें अप्लाई किया, सिलेक्शन हुआ, और उसका पैकेज उस समय करेंट में 55 या 50 हज़ार था, 35 पर यहाँ सिलेक्शन हुआ। उसने बोला सर करूँ कि ना करूँ, मैंने बोला कभी कभी एक कदम पीछे आना पड़ता है, आया सही और उसका सिलेक्शन हुआ 35 हज़ार रुपये पे। 4 या 5 महीने के बाद पुणे की एक कंपनी है नील सॉफ्ट, उसने उसका रिज्यूम देखा, उसका क्या बोलते हैं काम देखा, काम तो उसने लगभग सीख ही रखा था गुरुकुल में, और उसको फिर बुलाया, और बुला के उसको 65 या 70 हज़ार ऑफर किया, ठीक है। और और इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के 3 महीने के बाद उसके कंपनी ने उसको, उसके कैविलियर को देख के उसको जापान भेजा, इस समय वो टोक्यो में है, ओह ठीक है। और मुझे, ब्यूटीफुल हाँ, अभी वो लगभग 2 महीने से वहाँ पर है, तो मुझे ये प्राउडली ऐसे याद आ गया क्योंकि तुमने कुछ ऐसे ही कहानी बताया तो तार जुड़ गया वहाँ से। तो कुल मिला के ऐसा होता है, कभी कभी इंसिडेंट हो जाता है चीज़ों का, ठीक है। लेकिन जी ब्रदर ये बैच आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, आप इसको मत जी करना क्योंकि ये आपको बिगिनिंग से सीखना पड़ेगा। तो आप ना यहाँ जी पर मेरा नंबर ग्रुप में देखिए आया हुआ है, आप चाहे तो सेव कर लीजिएगा। क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं गुरुकुल का जो 4 महीने का प्रोग्राम है उसमें आप आइएगा, इसमें आपका काम नहीं हो पाएगा, सर, मेरे को आइडिया नहीं है सर कैसा ज्वाइन होना है, मेरे को वो सब हम आपके गाइड कर देंगे, ठीक गुरुकुल है। का भी नहीं है जी। ये नंबर आप देख लो, ये नंबर ग्रुप में आया हुआ है, जस्ट सेव कर लो, लगे तो कल कॉल कर लेना, ठीक है, बोल देना सर से बात करना, मैं खुद ही बात कर दूंगा, सब समझा दूंगा। सर नंबर ये आ गया यही है मेरा नंबर, 958। यस अच्छा यस, एक मिनट ठीक है ठीक है, कल मुझे कॉल मॉर्निंग में कॉल कर लेना, मैं पूरा स्टार्ट टू एंड गाइड कर दूंगा, ठीक है। सर, व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू कॉल टू यू अप्रोच नाइन यू टू इलेवन 9 to 11। ओके वो मेरा सर, फ्री टाइम होता है, ठीक है। ओके सर, ओके जी, ओके चलो, थैंक यू, ओके जी, चलो एक क्वेश्चन ले ओके लेते हैं रत्नेश विश्वकर्मा जी का, उसके बाद अश्विनी कुमार जी का, फिर तेजस, फिर ऐसे एक एक करके करते हैं। हाँ जी रत्नेश यस बोलिए, सर। सर मेरा डाउट ये है थोड़ा कि तेज जैसे बोलो आपने रत्नेश, बोला, थोड़ा हेलो, आवाज कम आ रही है। हाँ हाँ बोलो, सर आवाज़ आ रही क्लियर? आ रही आ रही। एक्चुअली सर जो आपने भी 1 मंथ का प्रोग्राम बनाया बताया, जो 4 मंथ का प्रोग्राम है सर उसमें कवर हो रहा है क्या ये? नहीं यार, 4 मंथ को मैं 1 मंथ में करूंगा कैसे, ये उनके लिए जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। नहीं, हाँ मेरा मतलब जो 4 मंथ में आप कराओगे वो 1 मंथ वाले चीज़ें उसमें होंगी ना वो इंक्लूडेड? तो ऑफकोर्स होंगी यार, वहीं से तो निकाल के यहाँ लेके आ रहा हूँ। या एक्चुअली जैसे सॉफ्टवेयर का सर, जैसे आपने बताया ऑटोकैड रेविट और नेविस, दो तीन चीज़ें सॉफ्टवेयर हाँ जो बेसिक सब मतलब उसमें है। है, हाँ तो मैं जैसे क्या सर, मुझे ऑटोकैड आता है, रेविट आता है, तो रेविट में सर मुझे मॉडलिंग नहीं डिटेलिंग अच्छे से आता है सर, करेक्ट करेक्ट। देखो और नेविस आता वो जो है। प्रोग्राम है वो तो डिटेल प्रोग्राम है, उसी में से निकाल के ये मैंने दिया हुआ है, ये उनके लिए है जिन्होंने कहीं ना कहीं से सॉफ्टवेयर वगैरह सीख रखा है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि उनको वो चीज़ें नहीं पता होती जो कंपनी पूछ रही है, ठीक है। तो उसके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब जो अगर गुरुकुल कर रहे हैं वो तो बेस्ट है यार, उसको तो मैं अभी बोल रहा हूँ तो बेस्ट है, ठीक है, चलेगा। अश्विन कुमार जी, सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस थैंक कर यू दूँ तो सर। दिल पर, ओके जी, आशीष कुमार, यस सर। यस, लेंस कार्ड का चश्मा पहने हो क्या तुम, ठीक है, नहीं बोलो, सर, बस ऐसे ही बना तुम्हारे प्रोफाइल सर पहले मेरा चेक एक। करो, हेलो बोलो बोलो। हाँ बोलो, सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2016 में मैंने बीटेक पास आउट हूँ सिविल इंजीनियर से, करेक्ट। और अभी तक मैं जॉब कर रहा हूँ सोलर, मैं सोलर फील्ड में, सोलर डिजाइन इंजीनियर, करेक्ट करेक्ट। बट मैं स्विच सोलर में करना चाहता स्ट्रक्चर हूँ का सर काम कर रहे हो बीआई कि में। मॉडलिंग कर रहे हो, स्केच वगैरह पे? मैं सोलर डिजाइन 100 मेगावाट के सिस्टम डिजाइन करता हूँ, 100 मेगावाट प्लस क्या सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हो? ऑटोकैड। ऑटोकैड, ड्राफ्टिंग कर रहे हो, डिजाइनिंग नहीं कर रहे हो फिर? ये अगर सर डिजाइन डिजाइनिंग करता हूँ सॉफ्टवेयर, और ड्राफ्टिंग कर रहे का हो, मतलब कितना सिमुलेशन वगैरह कितना होता है उसका, पूरा अच्छा वो सब कुछ कर रहे प्रोजेक्ट हो, तैयार करना।
ठीक है, पूरा ओके, प्रोजेक्ट तैयार करना, कितना कितनी समझ पावर गया, जनरेट होगी, सारा कुछ वायर कैलकुलेशन से लेके इलेक्ट्रिकल का पूरा पार्ट ओके सारा। बट ओके, मैं अभी BIM में स्विच करने की सोच रहा हूँ, करेक्ट, क्योंकि मुझे ऑलरेडी रेविट भी आता है, स्टेट प्रो भी आता है, और मुझे 3ds Max भी आता है। रेविट में क्या आता है, फाइल फॉर्मेट बताओ उसके चारों, सर रेविट के चारों फाइल फॉर्मेट बताओ। आर्किटेक्ट होता है स्ट्रक्चर और MAP। फाइल फॉर्मेट जैसे ऑटोकैड का .dwg होता है, वैसे रेविट का फाइल फॉर्मेट बताओ। RBT, चार होते हैं, एक तो चारों बताओ। RBT, नहीं सर ये RBT तो पता है, और DXF। नहीं चलो कोई बात नहीं, अब बताओ आगे बताओ। सर मैं कैसे क्या करूं ये मतलब स्विच करने के लिए? ठीक है, अभी स्विच करने के लिए मेरा 15 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट है यूनिंग में, रात में 10 से 11:30, ठीक है, उसको करना है, उसी में इरफान को भी मैं उसी में करने वाला हूँ, ठीक है, उसमें आना और 4 महीना दबा के मेहनत करना, ठीक है, जितना मैं करूँगा उसका 3 गुना करना, हो जाएगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा इंटरव्यूअर को थोड़ा अलग तरीके से समझाना पड़ेगा तुम्हें, शायद वो मैं यहाँ पर ना बता पाऊँ कैसे समझाना है, क्योंकि गलत हो जाएगा, तो मैं गाइड कर दूंगा कैसे इंटरव्यूअर को आपको इम्प्रेस करना है। आपका पुराना एक्सपीरियंस अगर इंटरव्यूअर को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो सैलरी कम हो जाएगा, तो ऐसा बताना है कि उनको आपका पुराना एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस जैसा लगे और आपके लिए वर्क भी हो जाए, वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ ये, इसके लिए उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। सर एक्चुअली मैं टाइमिंग का इशू पड़ेगा, मेरा जॉब टाइमिंग रात टेन में, टेन टू सेवन है। रात में, रात रात में कितने बजे से सर आप? ठीक है, रात में 10 से 11:30, ओके ओके सर। ठीक है, वो हम रात में ही क्लासेस लेते हैं, हमारी क्लासेस रात को ही होती है, ये तो जस्ट 1 महीने के लिए रखा हुआ है, जिसको ब्रशअप करना है, जिसको अपना सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी हेल्प कर सके, बस ये मोटो है इस चीज़ का, ठीक है। कई लोग बोलते रहते हैं सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे प्रॉब्लम, उसके तुम्हारे लिए नहीं है, तुम रात में 10 से 11:30, 15 अप्रैल से 4 महीने के लिए आ जाओ, मेहनत करो, उम्मीद यही है, अगर मेरा काम जितना मैं दूंगा उतना कर लोगे, उम्मीद छोड़ दो 100% प्लेस हो जाओगे, ठीक एक्चुअली है। सर मैं US बेस्ड पे जॉब कर रहा हूँ, तो उसमें वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी ड्यूटी लगभग कभी भी 12 घंटे की भी हो जाती है। अब दोस्त देखो, स्वाभाविक सी बात है कि लोहा जब तक पिघलेगा नहीं तब तक उसका सही आकार नहीं आएगा ना, ठीक है, वो तो पिघलाना बात सही है पड़ेगा, सर, ठीक है। उसमें अब ये सोचो कि सॉफ्ट तरीके से काम हो जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत तुम चाहे मेरे साथ करो या मेरे बिना करो, करना ही पड़ेगा, वो ठीक तो है। करना पड़ेगा, हाँ, मेरे मेहनत साथ, नहीं करेंगे मैं सिर्फ और सिर्फ एक गूगल मैप हूँ, जिस गूगल मैप को ये पता है कि आपको कैसे डायरेक्ट रन करवाना है, रास्ते में 4 लोगों से पूछते जाओगे तो उस जगह पहुंचने में तो पहुंचोगे, ऐसा नहीं पहुंचोगे, नहीं मैं कोई ब्रह्मा थोड़ी हूँ, ठीक है, पहुंचोगे, बट चार कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, मेरे साथ जाओगे तो डायरेक्ट पहुंच तो। जाओगे, ठीक है, अच्छा ठीक है ओके। सर, इसको ज्वाइन कैसे करना ये होगा? देखो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, ये मेरा सेव कर लो, सुबह कॉल कर लेना 9 से 11 के बीच में, बता देंगे दोस्त, ठीक है, ओके ओके आशीष। और तेजस जी सर, कुछ थैंक यू पूछ, सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम जी, तेजस जी पूछना चाह रहे हैं कुछ, यस तेजस बोलिए, मिस्टर तेजस, हेलो सर हाँ जी तेजस बोलिए, जी, नमस्ते सर। हेलो नमस्कार जी भाई, सर, मैं 2021 में पास आउट हुआ हूँ इक्कीस BSc में, में। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन किया था 1 साल 1.5 साल के लिए, और उसके बाद 2023 में 8 महीने मैंने साइड पे जॉब किया है, और अभी कौन सी रिसेंटली। कंपनी में किया था, हेलो, कौन नहीं सी लोकल कंपनी, बिलर के पास, लोकल लोकल, बिलर। ओके, अभी करंट में, अभी करेंटली मैं 2 महीना हुआ है मुझे, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी में हूँ मैं, जूनियर डिजाइन इंजीनियर के प्रोफाइल में। ओके बढ़िया, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो सही है, मतलब स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था, थोड़ा ईटअप थोड़ा बहुत सीख लिया था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया मेरे ओके, दो फ्रेंड के रेफरेंस से। तो अच्छा है, वहाँ पे मुझे रेविट का, हमारा रेविट का टीम है, तो वहाँ पे वहां से मुझे रेविट का मतलब पता चला। हाँ तो रेविट से फिर बीम भी ऐसा कुछ होता है, BIM, तो मालूम पड़ा। तो उसका मतलब थोड़ा यूट्यूब पे सर्च वगैरह किया, तो आपके वीडियोस मिले, हाँ तो उसके थ्रू मैंने मतलब आपका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया। ओके, बाद में मैंने बीम के बारे में बहुत कुछ मतलब वीडियोस पता वगैरह किया, देखे, तो हाँ मतलब कुछ मालूम ही नहीं था, आपकी वजह से हाँ बहुत कुछ मालूम पड़ा।
चलो। ऐसा भी कुछ फील्ड है अभी। तो हाँ मेरा मुझे पूछना ये है कि अभी अगर मुझे बीम में स्विच करना है तो मुझे स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस जो होगा मेरा वो मैटर उसमें करेगा, और अगर करेगा तो मुझे स्ट्रक्चर में कितना मतलब एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा मिनिमम? अभी देखो कुछ एक्सपीरियंस तो तुम्हारा, अभी सही तरीके से देखो तो एक्सपीरियंस कुछ बना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तुमने 8 महीने वहाँ किया, 2 साल तैयारी करने में चला गया, तो हार्डली मुझे लग रहा है 3-4 महीने जॉब कर रहे हो जहाँ तक है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस कैसे होता है, 6 महीने के पहले तो एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होता। अगर अभी आज जॉब करके दोगे तो आज तो तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा, ठीक है। 6 महीने तो मिनिमम किसी भी प्रोफाइल में जाना चाहिए। बट देखो कैसा होता है ना कि हर इंसान के ब्रेन का एक दो टाइप होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको दोनों चीज़ में इंटरेस्ट आए। तुम्हें या तो स्ट्रक्चर्स में मजा आ रहा होगा और या फिर नहीं आ रहा होगा। फिर अगर नहीं आ रहा तो समझ जाना कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो काम करता है लॉजिकल बेसिस पर, क्रिएटिविटी में काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए तो अब तुम्हें बीम में जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर में तुम्हें मजा आ रहा है तो बता दूं कि स्ट्रक्चर में कम स्कोप नहीं है, बस स्ट्रक्चर में पढ़ना बहुत पड़ता है, ठीक है। हाँ वही। और अब वो चीज़ कैसे है, वो चीज़ कोई इंजॉय करता है, किसी को बोर लगता है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। अगर मजा आ रहा बराबर है तो एंजॉय करोगे, मजा नहीं आ रहा तो बोर हो जाओगे, है ना। तो इसलिए बराबर अगर उसमें मजा नहीं आ रहा है तो आपको बीम में जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा समय दोगे, 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, आराम से डेप्थ में सिखा दूंगा, सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। अगर 4 महीने मेहनत कर लिए, बिलीव करो कि तुम कहीं भी जाओगे तो वापस तो नहीं आओगे, सैलरी आगे पीछे हो सकती है तुम्हारे मेहनत के हिसाब से, ठीक है। मतलब मुझे और समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी मतलब कौन से पाथ में जाऊं। अगर स्ट्रक्चर देखो में भी अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब बहुत सारा दिमाग का काम ज्यादा है, मतलब हाँ देखो पढ़ाई वगैरह ज्यादा है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा मतलब में थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हाँ और क्या बोलते हैं, अगर देखो तुमको तरीका बताऊं, तुम रेविट के 2-4 वीडियो देख लो, अगर यूट्यूब पे किसी का भी देख लो, ठीक है। बस हाँ वीडियो में देखना कि तुम्हें क्या इनको समझने में, इनको बनाने में क्लिक हो रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या, सर, ठीक है। मैंने रेविट का क्लास लगाया है रिसेंटली अच्छा यहाँ पे, मतलब अभी तो सैटरडे पता ही चल रहा होगा तुम्हें कि अच्छा लग रहा है कि संडे में नहीं। क्लास करता हूँ। सैटरडे संडे छुट्टी रहता है तो 2 घंटे का मेरा सैटरडे संडे का क्लास रहता है। करेक्ट, तब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हाँ इंटरेस्ट हो रहा है, समय कम दे पा रहा हूँ, इस तरह की चीजें हो रही होंगी तुम्हारे साथ, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो देखो अभी रेविट सीखना अच्छी बात है, रेविट सीखोगे तो डेफिनेटली जॉब में तो हेल्प करेगा ही। बट हमारे गुरुकुल में कैसे होता है इधर कि हम पूरा इंटरव्यू बेस्ड पढ़ते हैं, JD बेस्ड, जॉब डिस्कशन बेस्ड। वहाँ GA ड्राइंग पूछेंगे, वहाँ शॉप ड्राइंग पूछेंगे, वहाँ असेंबली ड्राइंग पूछेंगे, हमारा पूरा फोकस उस पर होता है कि इंटरव्यू क्या पूछेंगे। तो अगर जी आप उस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप 4 मंथ, 15 अप्रैल से नेक्स्ट मंथ में करना, ठीक है। और उसको कर लोगे तो आपका बेस्ट हो जाएगा। जो जो कंपनी पूछती है वो सब मुझे पता है, क्योंकि मैं रेगुलर सबके, कैसे होता है अभी आज भी बता ना, पिनेकल का इंटरव्यू हुआ प्रथमेश करके लड़के का, ठीक है, परसों करण करके लड़के का जॉब सिलेक्शन हुआ। तो मैं हमेशा, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जिनको सबसे मैं पर्सनली में बात करता हूँ, तो मुझे पता रहता है कि कंपनी क्या पूछ रही है, ठीक है। तो मैं वो सब आपको गाइड कर दूंगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अभी मतलब अगर बीम में स्विच किया तो मेरा स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस उसमें काउंट हाँ होगा कि हाँ नहीं काउंट होगा? होगा भाई, क्यों नहीं काउंट होगा, आप बिल्डिंग का ही काम कर रहे हो ना, ओके ओके। नहीं तो क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए। मतलब एक्चुअली अभी जैसा कंसल्टेंसी में अगर जॉब करना है तो मेरा पहला साइट का एक्सपीरियंस है वो तो काउंट नहीं किया, एज अ फ्रेशर ही मुझे लिया है ना। वो करने के लिए कैसे होता है, हम कैसे सामने वाले को रिएक्ट कर रहे हैं, वो एक स्किल होती है, ठीक है। ओके देखो कैसे होता है कि अगर मैंने क्या बोलते हैं, कुछ काम किया हुआ है और उसी चीज से रिलेटेड, तो अगर उसी चीज़ में कुछ और भी है, मतलब बिल्डिंग है ना ये, तो बिल्डिंग में मैंने कुछ सीखा हुआ है या कुछ किया हुआ है, तो अगर बिल्डिंग का ही दूसरा काम है तो बिल्डिंग का ही काम है, ठीक है। हम दूसरा काम मतलब इंजीनियर मैकेनिकल का नहीं कर रहे थे ना, बस वो करने का तरीका कैसे आप उसको रिएक्ट करते हो इंटरव्यू के सामने, उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, ऐसा आप एक्सप्लेन कर दीजिए उनको कि भैया जो आपका काम है ना ये भी इसके बिना नहीं होगा, तो जिसके बिना नहीं होगा तो वो एक्सपीरियंस है ना, जी ठीक है। यही आर्ट है, ठीक है। ओके इंटरव्यू देखो कैसा होता है, इंटरव्यू को क्रैक करना एक आर्ट है, जो समझ गया ना, देखते होगे कुछ लड़कों के पास नॉलेज कम रहता है, पैकेज ज़्यादा रहता है, ठीक राइट है। सर उनके पास वो ट्रिक होती है, वो आर्ट होती है, उसी की जरूरत होती है दोस्त, ठीक है। जी चलेगा, सेलेस का क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तेजस आप कॉल कर लेना, ये नंबर तुम्हें मिला ही है, कल आराम से बात कर लेना, ठीक है। और थैंक ओके ओके जी, सेलेस का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर संदेश का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस सेलेस बोलिए, सेलेस पूछो भाई, चलो भी सेलेस का हो सकता है।
किसी विषम परिस्थिति में हो। तब तक संदेश का क्वेश्चन ले लेते हैं। संदेश बोलो। हाँ सर, मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ सर, अभी जॉब हाँ सर्च कर रहा हूँ। तो अभी अंधेरे में एक कंसल्टेंसी है, तो उन्होंने मुझे ट्यूसडे को बोला है इंटरव्यू के लिए। लेकिन वो जो है, मतलब वहाँ पे रिव्यूज में, गूगल रिव्यूज में लिखा है कि ओनर ओनर अभी वेयर इज नॉट गुड, तो फिर जाना चाहिए या फिर नहीं, मतलब। नहीं देखो, अगर किसी कंपनी में हम जाएं तो एक्सपीरियंस के लिए जाना हो तो अगर आसपास है तो घूमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन मत करो, सैलेश अपना माइक ऑफ कर दीजिए, आपका टर्न आएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आपको एक्सपीरियंस के लिए जाना है। संदेश, संदेश तो आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा संदेश कि आपको एक्सपीरियंस के लिए जाना हो तो घूमाओ, बट ऐसे मत जाओ। ठीक है, जब कैसा होता है कि जहाँ पर हम अपने लाइफ का 50% टाइम बिता रहे हैं, 50% टाइम बिताते हैं वो कंपनी में, तो वहाँ अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा माइंड अच्छा नहीं रहेगा और फिर हमारे कैरियर पर बहुत असर पड़ता है। तो मेरा सजेशन तो रहता है कि जहाँ काम करो जहाँ का कूलिंग इन्वायरमेंट हो, ठीक है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। अभी एक लड़का है गौरव करके, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और वो एक कंपनी में गया, वहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती उसको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं, बस काम दिए पड़े हैं। ठीक है, वो फोन करता है, सर परेशान में, छोड़ दो। और बिलीव करो उसने छोड़ा, परसों छोड़ा है और आज उसके पास दो जॉब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके मेहनत को मुझे पता था कि उसका मेहनत अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो उसका, अभी तो नहीं दिखा सकता शायद, मेरे पास पता नहीं कहाँ रखा हो, लेकिन इतना मेहनत उसने किया था, मुझे पता है इसका होना है, मेहनत से दिख जाता है। ठीक है, तुम खुद ही हमारे ओल्ड स्टूडेंट, तुमको पता ही, तुम्हारे ग्रुप में एक से बढ़ के एक थे और एक से एक बढ़ के गधे भी होते हैं, तो पता ही होता है। ठीक है, तो हर कैटेगरी होती है, तो इसलिए आपको याद क्या बोलते हैं, मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर रिव्यू अच्छा नहीं है तो मत जाओ, क्योंकि एक लोग गलत बोलेंगे, दो लोग गलत बोलेंगे, बाकी लोग क्या आपसे खुन्नस है उनकी। ठीक सर, है, और मैंने दो जगह पे इंटरव्यू दी सर अब तक, मतलब। तो हाँ एक एक इंटरव्यू तो इतना इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन एक इंटरव्यू बहुत अच्छा गया सर। तो उन्होंने बोला कि आप टेस्ट दो, मैंने टेस्ट दी, वो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको ग्रुप में डाला था, वो हाँ पूरा 3 पेज का हाँ क्वेश्चन पेपर था। तो उसमें टेस्ट दिए दो दो ढाई घंटे, एक हाँ 1.5 घंटा इस टाइप पे टेस्ट दिया, पूरा सब कुछ अच्छा हुआ सर। लेकिन वो बाद में बोले कि हमें एक्सपीरियंस लड़का चाहिए, बोले। तो सर अभी तो उनका थोड़ा गलत है ना ऐसा। गलत है, गलत है, लेकिन अभी कैसे होता है, हम ग्रीडी है ना। ठीक है, तो हमें सुनना पड़ता है। तुम JW में अप्लाई कर दो ना, वहाँ पर मेरा पहचान के लड़के हैं जो वहाँ पर काम करे, सब अपने गुरुकुल के ही है, 8-10 लड़के अच्छा, हैं, सर वो गुरुकुल के ही है। फ्रेशर्स को लेते नहीं सर, और JW JW में जो भी। नहीं, फ्रेशर ही गए हैं। विश्वजीत पाटिल, कल तुम्हें नंबर दूंगा, उससे बात कर लेना, अभी अच्छा। वहाँ पर ईटीएम में वही हेड कर रहा है। ओके, हाँ ठीक क्या, है, हाँ ईटीएम में वही हेड कर रहा है। ठीक है, अपना स्टूडेंट है। अच्छा, ठीक वो है, इंटरव्यू लेता लेता क्या, मैक्सिमम चांस एक वही, एक राउंड तो पक्का लेगा वो, एक राउंड अच्छा। उसके डायरेक्टर लेते हैं, एक राउंड तो उसका पक्का रहेगा। टीम, उसी की टीम में काम करोगे, विश्वजीत की टीम में। ठीक है, अच्छा उससे उससे बात कर लो, हैं और लड़के हैं, बट वो कैसे, वो अभी हायर लेवल पे पहुंच चुका है, वहाँ का हेड हो चुका है एक तरीके से। ठीक है, उसी से बात कर लो आराम से, तुम्हें क्वेश्चन तुम्हें बता ही, चलो उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तुम अपना उससे बात कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। और अभी जैसा कि मेरा एक स्ट्रक्चराइट का एक्सपीरियंस था, तो अभी हाँ मैं वो तो एक्सपीरियंस ये लोग पकड़ नहीं रहे थे सर, वो डायरेक्ट फ्रेशर कर रहे, मतलब। तो अगर एक एक साल का मुझे स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस आता है, ये टाइप का या कुछ दूसरा ये स्ट्रक्चर में, तो बाद में मैंने जो और इसका एक्सपीरियंस ऑडिट का, उसको मैंने स्ट्रक्चर में डाल दिया, तो चलता ना सर वैसा। यस यस, इसमें बस ये तुमको बोलना है, तुम्हारे साथ गड़बड़ी क्या होती है, मैं पहले भी तुमको इसे बताया था कि ये मत बोलो कि मैं केवल ऑडिट करता था। नहीं, ठीक है, बराबर अगर मैं, ये बोल दिया तो मैं, पता है तुम बोल देते हो हाँ कि हाँ ये ऑडिट करता था ना, तुम्हारे क्योंकि हाँ कॉन्फिडेंस बराबर, तुम्हारा उसमें है, इसमें कॉन्फिडेंस है नहीं अभी उतना। कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, हाँ तो इसको बोलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस नहीं है तो बोल दो मैं छोटी बिल्डिंग का डिजाइन करता था। ठीक है, हाँ बट मैंने इसको ऐड करवाओ, तब मजा पाओगे इसमें, सेल। ऐड किया है सर, मतलब वो पूछते ना कि क्या किया है, तो मैंने थोड़ा बहुत किया है ऐसा बताता मैं, और हाँ मैंने डाला रिज्यूमे में करके, डिटेलिंग वगैरह करता था, RCC स्टील स्ट्रक्चर किया ऐसा डाला है सर। करेक्ट, ठीक है, एक बार स्ट्रगल होगा, कल मैं तुम्हें नंबर देता हूँ। ठीक है, अभी बाद में डिस्कस करेंगे सर, क्योंकि और चलो लोग सोचे कि मेरा चलो क्वेश्चन सर नहीं ले रहे हैं, मैं नंबर देता चलेगा हूँ, तुम उससे चलो, बात कर लो। ठीक है, ठीक चलेगा। अब शैलेश बोलिए, आप बीच में माइक ऑन किए थे, आप बोलिए। है यस शैलेश बोलिए। हेलो सर, मैंने रिकॉर्डिंग सेशन ले लिया है अपना, अच्छा, एक तो जगह आ मैं अभी जाओ, ना, बहुत आवाज आ हाँ रही है, एक जगह खाली जगह आ जाओ। ठीक,
कुछ नहीं सर, मैं ना अभी रिकॉर्डेड सेशन का कोर्स ले लिया है अपना बीम का। हाँ तो अभी मैं साइट एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पे हूँ। मुझे करेक्ट सैलरी थोड़ी कम है, तो बहुत दिन से मेरा सर्चिंग चल रहा था कि बीम बीम बीम, बहुत दिन से था, 1-2 साल से। तो अभी कर रहा हूँ, तो कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे आपके, या जॉब कब तक हो जाएगा, क्या है, इसके बारे में ही डिस्कस करना था आपसे। कॉल पे भी बात हुई थी मगर आज बात कर लेंगे, बोला सर तो मिल रहे हैं। ओके चलो, अच्छा किया मुझे इसके लिए। अब दूसरी चीज क्या होता है दोस्त, कि तुम कितने घंटे टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। सोचो ठीक है। अपने सपने, नहीं बताओ कितने घंटे टाइम दे रहे हो उसको। अभी तो मैं सीख रहा हूँ सर, लगभग 2-3 घंटे तो दे सकता हूँ डेली। 2-3 घंटे में काम नहीं होगा, कम से कम 4 घंटे टाइम निकालना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है सर, 4 घंटे तो टाइम ट्राई निकालो तो तब। करेंगे। ठीक हाँ ट्राई करो, है, 4 घंटे लिख का हाँ प्रयास ट्राई कर। करो, ठीक है, चलेगा। हाँ ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजस जी का, तेजस का तो हो गया है, साहिल खान जी का ले लेते हैं, फिर दास का क्वेश्चन लेंगे और फिर नीलमय जी का क्वेश्चन। साहिल जी, हेलो सर। हाँ जी साहिल बोलिए। सर मैं शिवमोगा कर्नाटक से बोल रहा हूँ। ओके साहिल, सर अभी मैंने 2023 में पास आउट हूँ, अच्छा इंजीनियरिंग बीट सिविल किया हुआ है। हाँ हाँ तो अभी मैं रेविट और नेविस सीख रहा हूँ। रेविट ऑलमोस्ट अभी अभी चल रहा है, ऑटोकैड बहुत बेसिक लेवल पे आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो अभी आपका 2-3 वीडियो देखा था, आपका जो मॉक इंटरव्यू रहते देखा था, मैंने सोचा कि कंपनी का इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि आप ले रहे हो। बहुत इंटरेस्ट से देख रहा था, हमें ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो वो तीन ऐसे लोग ही भी ऐसे होता ही। है, कंपनी की जैसा ही होता है। हाँ पता चला कि आप इतने शिद्दत से आप इतने ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आपका ग्रुप ज्वाइन किया व्हाट्सएप ग्रुप, तो ओके वहाँ पे लिंक आया कि आप जो ज्वाइन कर देते हैं सर क्या बोलते हैं। अभी सर आपको 1 मंथ का जो कोर्स बोल रहे थे ना सर, अभी वो उसको तुम्हारे लिए ज्वाइन कर। सबसे अच्छा है। हाँ सर वही उसके बारे में सोच रहा था। तो और थोड़ा कुछ और, अभी जैसे अभी अभी जस्ट रेविट सीख रहा हूँ, तो और कुछ एक्स्ट्रा सीखना है क्या सर उसके लिए अभी नहीं, जैसे। अगर रैबिट में क्या सीख रहे हो इससे बताओ मुझे, फिर सर अभी बताना मुझे। आर्किटेक्चर और ये स्ट्रक्चर तो सीख रहा हूँ, अभी एमईपी आगे है या पता नहीं, हमको पूछना हाँ पड़ेगा अभी हाँ जैसे कर। ठीक है, तुम्हारे लिए सही है वो, ठीक है। देखो मेरे काफ़ी लोग थे, उनको मैंने मना किया। रीज़न क्या है, क्योंकि तुम अभी करेंट में सीख रहे हो, तो जी तुम्हारे सर पास, तुमको पता है करना क्या है उसके अंदर। अब मेरा काम बस इतना सा रहेगा, तुम्हें इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से गाइड कर देना है, हाँ जी सर ठीक है। तो तुम्हारे लिए यही वो बना हुआ है एक्चुअली, ठीक है। बाकी लोगों को मैंने मना क्यों किया, इसीलिए मना किया क्योंकि जिन्होंने सॉफ्टवेयर सीखा नहीं, या फिर सीखा है 2 साल पहले, ठीक है। अभी देखो मैंने एक दो लोगों से क्वेश्चन भी पूछा कि भाई अभी आप सीखे हो तो बताओ इसका आंसर, ठीक है। तो कैसे होता है कि जो करेंट में सीखे उनको माइंड में पता है, नो डाउट, थोड़ा प्लस होगा थोड़ा माइनस होगा, दैट विल मैनेज, और वो आपके आपको करना चाहिए शायद उसको, और ठीक है। उसका स्टैट प्रो ईटा भी सीखा सर, लेकिन उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है सर स्ट्रक्चर मत में जाओ, मुझे। ठीक है, जिस चीज़ वही में इंटरेस्ट वो नहीं मत जाओ। हाँ वो उससे जब भी सीख रहा था तब भी सेट कर लिया कि इसमें इसे डिटेल में सीखना ही नहीं है, जो हाँ जो जो, जो मोटा मोटा सीखा है वही बस सीखा है सर डीप से। अभी रेबिट में बहुत इंटरेस्ट से सीख रहा हूँ सर, क्योंकि मजा आ रहा है उसमें सीखने में, डिजाइन करने में वगैरह। ये इसको थोड़ा सा मैं रोकूंगा, ये सबके साथ होता है गाइस, याद रखो। आपका ब्रेन केवल दो तरीके से काम करता है, ठीक है। जो अभी साहिल ने बोला ना, बहुत अच्छी बात बोला है, कि देखो इनका ब्रेन कैसा है, कि इनको मैथमेटिक्स टर्म्स जो हैं उस पर क्लिक नहीं होता है, ये जी सर सच्चाई यही है। बात है। और उसके साथ जो आर्किटेक्चर टर्म है उनमें इनको मज़ा इतना आता है, ये खो जाते होंगे ये, जी सर ठीक है। चार चार पांच मिनट कंटिन्यू करता हूँ सर बिल्डिंग यही यही चीज़ चाहिए का। होता है, कि आप यही अपने अंदर फाइंड कर लें, तो आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया, ठीक है। ये फाइंड कर लिया आपने, फाइंड कर लिया ऑलरेडी। मैंने, मेरे साथ ऐसा हुआ था, अभी यहाँ पर शायद नीतीश होगा, ठीक है। तो मैंने नीतीश को ये चीज़ बोला था, नीतीश है क्या यहाँ पर अभी, शायद नहीं है, ठीक है, आया था, अभी चला गया होगा अभी भी। तो नीतीश हमारे स्ट्रक्चर का स्टूडेंट था, उसके मैं जब प्लानिंग देखता, सेक्शन एडमिशन देखता, मुझे समझ आ जाता कि ये बंदा कहीं और के लिए बना हुआ है, ठीक है। ऐसे एक लड़का और है, उसको भी मैंने ऐसे बताया था उसके बारे में, दिख जाता है काम से। तो जैसे होता है ना, एक होता है एलिवेशन बनाना, एक होता है एलिवेशन को शिद्दत से बनाना, जी मतलब वहाँ पर उसका है। तो मैंने उन दोनों को गाइड किया था, बिलीव करो दोनों के दोनों ही दूसरे प्रोफाइल में जब शिफ्ट किए खुद को, उनको मज़ा आ गया। तो ये तुम्हारे साथ है, कि तुम आर्किटेक्चर में अच्छा करोगे, और मैं सजेशन दूंगा कि तुम्हें करना चाहिए, जी सर मैं लूंगा सर आपका कोर्स। हाँ तुम्हें करना चाहिए। क्योंकि नहीं होता ना, तो मैं, अगर तुम मेरी वीडियो देखी हो, मैं बहुत क्लियर क्लियर इंसान हूँ भाई, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है, पर तुम्हारे लिए है, अभी सर मुझे वही ऐप चल। चाहिए था सर, जैसे पोर्टफोलियो वगैरह, रिज्यूमे हो गया, इंटरव्यू कैसे तय करना था, बस यही चीज चाहिए सर। इसी के कोई नॉलेज है बहुत थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा कुछ नहीं है सर। इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें वो चाहिए। अभी और आपने जो लिंक शेयर किया था वो ग्रुप में ज्वाइन होगा सर, वो काफी है सर, आप उसमें डिटेल्स बोल दोगे। हाँ, उसमें डिटेल आ जाएगा, आपको कॉल भी आ जाएगा, कर लोगे, ठीक है।
ठीक है सर। चलो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, तेजस का क्वेश्चन हो गया। नीलमय, नीलमय आपका क्वेश्चन है। नीलमय जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। नमस्ते नमस्ते। सर। सर मैं अभी तुम्हारा रेविट का लिंक्डइन, कोर्स लिंक्डइन में कर देखा, लिंक्डइन पे तुमने बड़ा अच्छा मॉडल डाला, तुमने रहा डाला था क्या? हूँ। हाँ सर मैंने डाला था सर। अरे सर आपका कोर्स नहीं देखा सर पहले। सर मैंने सर कोई दीपक बात नहीं, वर्मा जी सर का कोर्स किया था सर। कोई बात नहीं। सर मैं बोल रहा हूँ सर वेस्ट बंगाल सर और भुवनेश्वर में सर कोई जॉब है सर रेविट का सर कोई। वेस्ट बंगाल में है अभी, हमारा एक स्टूडेंट है, 3 दिन सॉरी 4 दिन या 5 दिन हो गए, नहीं 3रा दिन था आज उसका ज्वाइनिंग का, सुभाषीष करके, बर्किन आर्किटेक्ट, अच्छा वेस्ट बंगाल में बर्किन आर्किटेक्ट उसकी जॉब थी। एक ओपनिंग अभी चल रही है पिनेकल में, दुर्गापुर में, ठीक है। सर तो फिनाकल में मैंने सर अप्लाई किया था बट उसमें तो सर मेनली सर एक्सपीरियंस मांगा था सर उस 1 ईयर का सर। मेरे पास जितने बच्चे हैं उसमें से काफ़ी बच्चे फ्रेशर्स के तौर पर गए हुए हैं, और पिनेकल में ही कल एक लोग का और हो सकता है, कल परसों में, तो वो भी फ्रेशर ही है। तो होता है उसमें आपको, देखो कैसे होता है निलमय, कि हम लोग जो ट्रेनिंग कराते हैं उसमें मैं आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है अच्छा कि वो 6 मंथ एज अ एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है, तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ यार ये तो चलो 6 मंथ का इन्होंने इंटर्नशिप कर रखा है तो वो डेफिनेटली सीखा होगा। और क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें हम लोग माहिर हैं, कहाँ पूछ सकते हैं, हमें पता है अच्छे से, समझ गए। तो वहाँ पर वो एक्सपीरियंस 6 महीने का, नो डाउट 6 मंथ का ही हम दे पाते हैं क्योंकि उसके ऊपर लीगल नहीं है, 1 ईयर का इलीगल होता है लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, 6 मंथ तक का इंटर्नशिप आप दे सकते हो, ठीक है। और वो चीज़ अच्छा थोड़ा सा हेल्प करता है। आपके केस में आपका मॉडल अच्छा था, मैंने देखा लिंक्डइन पर, कल शायद मैं लिंक्डइन चलाता रहता हूँ। मैंने सर एक कंपनी का इंटरव्यू भी दिया था सर। उसने ओके सर एक मॉडल भी 2D मॉडल लिया था उसमें कैट टू बीम सर कन्वर्ट के तो मॉडल किया था सर। कलर वगैरह जो जो कुछ भी थी सब किया था मटेरियल मटेरियल वो। देन सर उन्होंने पूछा था पैरामीटर कितना पैरामीटर है सर सिस्टम पैरामीटर बिल्ट इन और बिल्ट इन सर प्रोजेक्ट समझ गया, पैरामीटर डिफरेंस क्या है प्रोजेक्ट पैरामीटर का सीआर पैरामीटर का उन्होंने सर सब कुछ बोल दिया। सैलरी सर बहुत कम है सर। ट्रेनिंग 4 मंथ ट्रेनिंग का सर 5,000 एंड सर आफ्टर 4 मंथ के बाद सर 9K। तो रूम मिले रूम खाना वगैरह वगैरह सर तो हो जाएगा ना नहीं इसलिए सर मैंने ज्वाइन नहीं किया सर। बीम, बीम एक ऐसी इंडस्ट्री है इसमें सैलरी की कमी नहीं है, ठीक है। अगर तुम स्ट्रक्चर बोलते हो तो मैं इस बार स्ट्रक्चर के लिए बोल सकता हूँ, स्ट्रक्चर में सैलरी कम है, बट बीम में एक से बढ़ के एक सैलरी है, ठीक है। अभी क्या अच्छा बोलते हैं, जो सैलरी मैं बताऊंगा वो सैलरी आपको ताजुक होगा। अभी मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है आपके ग्रुप में, चलिए ग्रुप में आपके भेज दूंगा, देखिएगा। 5.5 लाख का पैकेज अहमदाबाद में परसों ही आया हुआ है, करण करके स्टूडेंट का, और मेरे पास ऑफर लेटर भी उसका रखा हुआ है, मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन करके रखना। तो आप सोचो कि 5.5 का पैकेज है इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये अच्छा इंडस्ट्री में, रीज़न उसका बताता हूँ, रीज़न ये है क्योंकि बीम इंडस्ट्री जो है वो फॉरेन के प्रोजेक्ट ज़्यादा करती है, ठीक है। तो फॉरेन के प्रोजेक्ट्स की सर वजह से इनमें सैलरी अच्छी मिलती है। अब सैलरी कौन कम देता है, जो पड़ोस का काम कर रहे हैं, जिनके यहाँ 3D बनाने के लिए अगर 2,000 रुपये तय हुआ था, उन्होंने 600 रुपये ही केवल दिया, अब जब 600 उस कंपनी को मिला है तो तुमको 60 रुपये ही तो देगा, ठीक है। हाँ सर तो ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने सर सर ज्वाइनिंग के बाद सर 10 20 10 सर 12 में काम किया था सर। उन्होंने सर सॉफ्ट ड्राइंग किया था सर शोरिंग डिजाइन किया था एंड सर RFI RFC वो वगैरह भेजता डॉक्यूमेंट चेक करके आश्चर्य लगा सर बट सैलरी इतना कम था इसलिए सर छोड़ दिया नहीं सर नहीं सैलरी इतनी होनी कुछ। चाहिए कि आप सरवाइव कर सकें, ये हाँ बहुत सर हाँ जरूरी है, सर ठीक हाँ है। चलेगा, अब सर ठीक एक क्वेश्चन मुझे लेना पड़ेगा ओमकार का। है सर ठीक है ओके सर। जी, चलेगा भाई। यस ओमकार बोलिए। हाँ सर मैं पुणे से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ लास्ट सेमेस्टर में। ओके तो सर मुझे ऑटोकैड रेविट और स्केचअप आता है मतलब कुछ प्रोजेक्ट भी किए हैं मैंने उसमें। तो ओके ठीक सर मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए क्या ये प्रोग्राम? है। बिल्कुल, तुम्हारा पास आउट कब होगा ये मुझे थोड़ा बता दो, फिर मैं बताता हूँ। सर अभी जून में होगा मई जून में मई जून में मई होगा, 15 मई से एग्जाम है 15 मई मार्च से। अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, 15 अप्रैल को हमारा ख़त्म भी हो जाएगा, 15 मई को ख़त्म हो जाएगा। क्या तुमने अपनी पढ़ाई कर लिया है कॉलेज का, जो बचा हुआ है फाइनल हाँ सेमेस्टर सर का? पढ़ा है सर पढ़ा है 15, मतलब हो हाँ वैसे जाएगा फाइनल पढ़ाई सेमेस्टर में। में कुछ ज़्यादा तो रहता नहीं है, हाँ कुछ ठीक नहीं है है, सर इतना। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखना कि थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तुम्हें, और रीज़न क्या है कि तुम्हारा कॉलेज भी रहेगा, उसके बाद मैनेज करना है।
सर ठीक हो है। जाएगा मैनेज मतलब हाँ हो जाएगा, मैं भी बहुत काम नहीं ये। देने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको ब्रशअप करके तैयार करने वाला हूँ कि भाई ये चीज़ें चाहिए और इन चीज़ों पर आप फोकस करो। देखो तो तुम्हारा वीक एरिया मैं देख के, एक बार तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा उससे मैं तुम्हारा वीक एरिया पूरा रीड कर लेता हूँ। मैं कैसे करता हूँ, आप जैसे पहले दिन आओगे ना, आपका प्रॉपर पहला इंटरव्यू पहले दिन स्टार्ट होगा, वहाँ से हाँ मैं अपना रिकॉर्ड बनाता हूँ कि आपके अंदर कहाँ कहाँ ओके वाली कमी है, और जहाँ जहाँ कमी है ओके तो मैं उन्हीं उन्हीं वीकनेस के ऊपर काम करने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें बस एक चीज़ आपको करना पड़ेगा कि आपको एवरीडे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अगर रह गए तो आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑटोकैड भी सीखा है, रेविट हाँ भी सर सीखा है, सीखे इन दोनों से ही हमारा जॉब का काम हो जाएगा। स्केचअप तुम्हारा एक्स्ट्रा प्लगइन हो गया एक तरीके से, बढ़िया हो गया। और और सर चलो, नेविस वर्क और टेकला नहीं सीखा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना कोई होगा। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेविस वर्क की जरूरत नहीं है, और जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ क्या पूछ सकते हैं मैं बता दूंगा। और अगर ऐसा कंडीशन आ गया कि क्या बोलते हैं, नहीं, वहाँ तो नेविस वर्क पे टेस्ट भी देना पड़ेगा, वैसे ऐसा होगा नहीं, बट ऐसा कंडीशन हुआ तो हमारे पास वीडियो कोर्स रखा हुआ है, तुरंत प्रोवाइड करा देंगे, 2 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है, उसका टेंशन नहीं। सर और कब से स्टार्ट हो रहा है यह प्रोग्राम? 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, 15 तारीख से स्टार्ट है। ओके ठीक है, चलेगा। ओके, और ये नंबर दिया हुआ है, सर से आप बात कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और ठीक ओके, है हार्दिक मिस्त्री, हार्दिक तुम्हारा यार अभी रिसेंटली में यस कहीं पर सर। तुम्हारा पोस्ट उसको देखा था मैंने, कुछ तुमने ऐप पर रजिस्टर्ड अच्छा किया था क्या रिसेंटली कुछ ऐसा, कहाँ पर सर? ऐप पर, यूनिक सिविल ऐप पर आज कल रजिस्टर्ड किया था क्या ऐप में कुछ ऐसा, कुछ मुझे कहने की दिक्कत हाँ नहीं सर हुई। वो थोड़ा बहुत इश्यू आया था सर, वो हाँ, कुछ अपडेट आया था ना उसमें सर तो थोड़ा। अपडेट की वजह से मैं खुद परेशान हो गया हूँ, मैं 2 दिन मेरा खराब हो गया। रीजन क्या ओ है, सबका फोन आ रहा है, सबको ओटीपी भी, पता सर नहीं क्या क्या चीजें हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने किया क्यों। बट अभी गूगल की एक पॉलिसी आई हुई है, अगर आप लोग को पता हो तो उस पॉलिसी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, तो इसलिए मुझे वो चीज़ स्टेप लेना पड़ा। फिलहाल बोलो अपना क्वेश्चन बोलो। अच्छा सर मैं ये बोल रहा था सर, फिलहाल तो मेरा साइड एग्जीक्यूटिव, मैं पोस्ट ट्रेंथनिंग फील्ड में हूँ सर, मैंने बीए किया हुआ है और मेरा फर्स्ट जॉब यही है सर, पोस्ट ट्रेंथनिंग सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बड़ोड़ा में सर, बहुत बड़ा कंपनी है पोस्ट ट्रेंथनिंग का, अनबॉन्डेड का काम करती है सर। अभी मैं आगे सर वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ, तो सर ये ऑल इन वर्क कोर्स मैंने लिया हुआ है वो जी, सर कैसा रहेगा सर? एक्सीलेंट है, ऑल इन वन स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, बिलीव करो। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बनाया, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोर्स अगर मैंने पाया होता तो मेरा बहुत लकी पर होता। उस कोर्स के अंदर जितना कंटेंट दिया हो गया है, ठीक है, आप तो ऑलरेडी ले चुके, फिर भी जस्ट मुझे को मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि यार ये वो अच्छा कोर्स है। ठीक है, जिस कोर्स के अंदर क्या बोलते हैं, आपको लगभग हर चीज़ का, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको खुद ही लग रहा होगा, स्टैट प्रो उसका पढ़ के देखो, मतलब स्टैट प्रो भी पढ़ रहे हो उसमें, अर्थक्वेक एनालिसिस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ पा रहे हो, सियरवॉल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ पा रहे हो, तो प्रैक्टिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कोर्स, बेस्ट है वो। सर मैं अजी अभी फिलहाल सर ऑटोकैड में काम कर रहा हूँ, हाँ लेक्चर 4 लेक्चर मेरे कंप्लीट हुए हैं, वही जो आप होमवर्क देते हो वो होमवर्क भी टाइम टू टाइम कंप्लीट हाँ करता हूँ उसमें और ऑल इन वन में यही एक कमी जितना। हो जाता है कि मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि चेक मैं करूंगा तो मैं कितने लोगों को कर पाऊंगा, है ना, यस इसलिए सर वही एक वीकनेस हो जाती है, बाकी सब बेस्ट है। ठीक है सर। और पूछ लो, पूछ लो, कुछ पूछना है और सर वो सर्टिफिकेट वगैरह सर लास्ट में सब मिलेगा मिलेगा ना, सर, 6 महीने लास्ट बाद? में चाहे जब ले सकते हो। सर्टिफिकेट के लिए केवल दो दो फाइलें सबमिट करनी पड़ती है हर सॉफ्टवेयर से एक बार में। कैसे, अभी आज ऑटोकैड ले लोगे, कल फिर परेशान करोगे रेविट के लिए, फिर स्टैट प्रो के लिए, तो वो अलग अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर वो डिज़ाइनर को बोलता हूँ, फिर उसको भी समय लगता है ना, तो बेटर है कि क्या बोलते हैं, एक साथ आपको दो दो फाइलें सबमिट कर देना, एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा खत्म। ठीक है, ओके सर। और ओके, सर फाइल कैसे सबमिट करना है, कौन मेल सा मेल 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 मेरा? करना है, या unixsivil476@gmail.com आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी, ओके चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ऋषभ का। यस ऋषभ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैंने भी बीआईएम का रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स लिया है सर ऑलरेडी, करेक्ट उसमें अभी प्रिपरेशन चल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आईटी में बहुत ज्यादा पैकेजेस होते हैं सर, मतलब 10 लाख 12 लाख, तो हाँ बीआईएम में भी इस तरह में कितना मतलब लेवल का प्रिपरेशन करें हम लोग कि उस लेवल का हम पैकेज ले सके, थोड़ा अगर सर अगर शॉर्ट में, इन अगर शॉर्ट में अगर बता सकते हो? अगर मैं तुमको बोलूं कि बीम में तुमको कितना लगता है कि इंडिया में मैक्सिमम कितना मिलता होगा पैकेज का, अंदाज बताओ। ऐसा तो पता नहीं सर, जो मेरे कलीग्स है बट बीआईएम देखो, में फिलहाल हाँ वर्क कर रहे हैं उनका भी 9-10 लाख है फिलहाल बस।
अगर मैं बोलूं कि बीम के अंदर 36 लाख का पैकेज एक कंपनी दे रही है तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है ओ सर ठीक है ठीक है, रैमबॉल, ओके ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जाके गूगल कर लो, रैमबॉल, रैमबॉल में है, ये वो तो भी इंडिया में है। ओके सर, इनका तो एक्सपीरियंस पे बेस होगा ना सर, पैकेज जो भी है अभी, या एज अ फ्रेशर तो कम ही होगा। प्रेशर का कोई हाँ चांस सर, ही नहीं है ना, प्रेशर का इनका हाँ पैकेज ही सर, बहुत अच्छा है, प्रेशर का पैकेज इनका 4.8 है। ठीक है, देखो कैसे होता है, कंपनी का जो पैकेज होता है ना वो टर्नओवर के बेस्ड पे होता है। ठीक है, कंपनी चाह के भी कम नहीं दे सकती। अगर तुमने कभी सुना हो कि रिलायंस के एम्प्लॉय को 8,000 रुपये मिल रहा है, कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, क्योंकि उनका जो नेटवर्थ होता है उसमें जो टर्नओवर आता है उस टर्नओवर का एक फिक्स परसेंट बेस के फॉर्म में जाता है कि इसको सैलरी में ही बांटना है, तो उसके हिसाब से सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सैलरी इज ऑलवेज डिपेंड ऑन कि आपके कंपनी का टर्नओवर कितना है। जैसे अभी क्वेश्चन तेजस ने पूछा है कि सर स्ट्रक्चर में सैलरी कम क्यों मिलती है, क्योंकि इंडिया अभी स्ट्रक्चर का जो काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडिया का कर रहा है, और इंडिया का मार्केट इतना क्राउडेड है कि तेजस आपको बता दूं कि यहाँ लोग ऐसे ऐसे लोग हैं कि जब मेरा रेट है 5 रुपीज स्क्वायर फीट, आपको मैं बोलूँ अगर ताजुक होगा आपको, 50 पैसे स्क्वायर फीट में लोगों ने मेरे काम को छीन के किया हुआ है। 50 पैसे स्क्वायर फीट, लॉकडाउन का टाइम था, मेरे पास भी काम कम था, बट फिर भी मैंने कहा नहीं यार रेट खराब करना अच्छी बात नहीं है, प्रोफेशनल तरीका नहीं है, मैंने 5 रुपीज स्क्वायर फीट बोला। और फिर बाद में मैंने उसको दोबारा कॉल किया क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, मैंने बोला हम 3 रुपये स्क्वायर फीट में कर देंगे, मैं भी फ्री था लॉकडाउन में, मेरे पास भी कुछ खास काम नहीं था, तो 3 रुपये स्क्वायर फीट बोला सर रहने दीजिए आप, क्या बोलते हैं मेरा तो 50 पैसे स्क्वायर फीट में हो गया। उन्होंने नाम बताया एक लोग का, मैं उनको जानता था अच्छे से, उन्होंने इस खुन्नस में कर दिया कि मेरे पास प्रोजेक्ट था। बट अब सोचो कि क्या लेवल आ चुका है कि लोग इतने कम में पैसे में काम करेंगे, तो ऑफकोर्स सैलरी, अब स्वाभाविक सी बात है, मैं अगर 5 रुपए में जो काम कर रहा हूँ कोई 50 पैसे में 10 गुना सस्ता कर रहा है तो सैलरी 10 गुना उसको कम देना पड़ेगा ना एम्प्लॉय को। ठीक है, इसके वजह से सैलरी कम हो जाती है। और अगर यही काम अभी हो रहा है, लोगों का काम हो रहा है, लोग मार्केट से भी काम ले रहे हैं बाहर से, बट बीम के अंदर देखोगे तो बीम के अंदर 60% काम फॉरेन के हो रहे हैं, तो लोगों पर जो पैसे आते हैं काफी अच्छे अमाउंट में आते हैं, और उसके वजह से सैलरी और कंपनी दोनों ही मेंटेन रहती है। और अभी मैंने एग्जाम्पल दे दिया, अब रेमबॉल जो है वो रिलायंस का क्लाइंट है, ठीक, सॉरी रिलायंस उसका क्लाइंट है, अब इसे आइडिया लगा लो कि उसका लेवल क्या होगा। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े उनके फॉर्म हैं, अगर आप कभी जाना कोवी इंडिया में जाओ, ठीक है, दार ग्रुप में जाओ, इनके पैकेज, इनके वर्क बहुत प्रोफेशनल लेवल पे हैं, एटकिंस, एईकॉम, ये सब बहुत हाई, WSP, तो सब बेस्ट है। इसलिए ऋषभ आप ये मत सोचिए कि केवल और केवल आईटी में मिल रहा है, आईटी का जो बुरा हाल होने वाला है या हो चुका है तो वो डेप्थ अभी आप शायद जानते हो या फिर जान जाइएगा, आईटी बहुत गंदे तरीके से रश में जा रहा है। ठीक है, आईटी में जो क्या, और ये चीज मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट होगा तो उसको याद होगा आज से 2 साल पहले मैंने बोला था कि 2 से 3 साल के बाद रश होगा। देखो जहां पर रश होता है स्ट्रक्चर में यही हुआ। ठीक है, सिविल में क्या होता था, तुम लोग भी कॉलेज में पढ़े होगे तो एक ही चीज बताया गया होगा कि सिविल में अगर कुछ कर रहे हो तो इसके बाद स्ट्रक्चर कर लेना, यही बोला गया होगा, बराबर सर, साइट के बाद स्ट्रक्चर, ऐसा करके इतना क्राउड हो गया स्ट्रक्चर में, इतना क्राउड हो गया स्ट्रक्चर में कि लोग 15 कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है मैं 12 में कर लूंगा, कोई बोल रहा है मैं 10 में कर लूंगा, कुल मिला के रस हो गया, और ये रस जहां जहां होता आया है वो इंडस्ट्री डाउन हुई है। तो ये रस पहले स्ट्रक्चर में हुआ, इसके बाद अभी आईटी में हो रहा है। आईटी में मैं तो देखता हूँ, मतलब एक एप्लीकेशन पर मेरे कई दोस्त आईटी में हैं, वो बताते हैं कि भाई इतनी जॉब है, इतनी जॉब जा रही लोगों की। ठीक है, अभी जस्ट मेरे पीछे वाले फ्लैट में रहता है एक लड़का, उसका पैकेज 35 लाख का है, बहुत हायर प्रोफाइल पे है, मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, 40 साल का है वो। तो अब वो क्या बोलता आ रहा है, कह रहा है कि यार मेरे ऊपर इतना वो लोग परेशान किए कि बस मैं रिजाइन दे दूं, मुझे निकाल नहीं पा रहे रेपुटेशन की वजह से, बट वो मुझे इतना प्रेशर कर रहे हैं, इतना प्रेशर कर रहे हैं कि वो साइकोलॉजिकली रूप से कभी कभी इरिटेट हो जाता है, तो दोस्त है इसलिए बताता है कभी कभी। तो मतलब कुल मिला के समझो कि जहां रश होगा ऋषभ वहां गड़बड़ होगा, और ये मत सोचो कि बीआईएम में रश नहीं होगा, आज से 15 साल 10 साल के बाद देखना बीआईएम में भी रश आएगा, बट आपके लिए बेहतर क्या होगा, आप 10 साल एक्सपीरियंस होल्डर रहोगे, ठीक है, जी तो सर, आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, और हो सकता है तब तक कुछ और भी टेक्नोलॉजी आ जाए, तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि टेक्नोलॉजी को जिसने अडॉप्ट किया भाई मुझे तो बहुत फायदा हुआ। ठीक है, बिलीव करो आपकी तरह मुझे भी बीआईएम के बारे में नहीं पता था, मैं खुद भी स्ट्रक्चर में ही था, ठीक है, स्टेट प्रो पे काम करता था, फिर लोगों ने मुझे बताया कि रेविट पर बड़ा अच्छा पैकेज मिलता है, मैंने सिर्फ पैसे के लालच में रेविट को सीखा, फिर उसके बाद कंपनी में गया तो वहां उन्होंने सेंट्रल फाइल दे दिया, मैंने कहा ये कौन सी बला है।
ठीक है, बिलीव करो मुझे नहीं आइडिया था उसके बारे में। तो बाद में लोगों ने बुलाया कि इसमें एक BIM 360 सॉफ्टवेयर से आप अटैच हो, क्योंकि हम लोग जो स्टेट पर काम करते थे करके मौज मस्ती से आराम से पड़े हुए हैं, कभी मन किया कभी बता दिए फेल हो रहा है, बहुत से तरीके होते हैं, तो वो सब किया। लेकिन उसके बाद जब स्ट्रक्चर में काम करने को मिला, उस बीम में जब ऐसे तो उसमें सेंट्रल फाइल होता है, तो बीम में दिखता रहता है कौन इम्प्लॉय क्या कर रहा है, कुछ किया या नहीं किया। वो बाद में पता चला कि BIM 360 से सब कनेक्टेड है, सबका सर्वर होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में पता चला, तो मैंने अपग्रेड किया। मैंने अपग्रेड किया तो मुझे आज फायदा हुआ। आप भी अपग्रेड करिए बीम को, इसके बाद भी कुछ आएगा उसको भी अपग्रेड करते रहिए, और करना पड़ेगा तो, और स्वाभाविक सी बात है, तो जो अपग्रेड करेगा वो पैकेज अच्छा पाएगा। और कुछ क्वेश्चन है ऋषभ, या फिर नमस्ते हो गया हाँ कुछ? सर, वही पूछना था, जैसे बहुत लोग साइड से फ्रस्ट्रेटेड होके एक तो BIM में आना चाहते हैं या फिर IT में जाना चाहते हैं, तो मेरे बहुत दोस्त IT में जा रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं BIM में जाऊं। ऑलरेडी मेरी आपसे बात हो चुकी है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस वगैरह है, अच्छा तो मैं गुरुकुल तो ज्वाइन नहीं कर पाया जॉब के टाइमिंग की वजह से, तो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर लिया है। तो मुझे ये क्वेश्चन है अभी कि ये जो आपने प्रोग्राम रखा है 1 मंथ का, इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ या फिर कैसे? अभी नहीं, तुम रैबिट सीख ओके रखे हो, कॉन्फिडेंस है रैबिट में? हाँ सर, एक मॉडल भेजा था आपको, मेल किया था अभी, और 2 मॉडल रेडी है मेरे, वो आपको मुझे मेल फोटो करता हूँ सर। भेजना तुम्हारा रैबिट अच्छा, अगर मुझे सही लगा तब मैं ओके बोलूंगा, अदरवाइज मत करना, ओके सर, ठीक है? कल याद ओके सर, मैं करके मेल मेरा करता मैं ये मैं अपना नंबर भेज रहा हूँ, पर्सनली मेरा नंबर है ये, तो इसमें याद करके मुझे भेजना और मैं तुम्हारा काम देके डिसाइड कर पाऊंगा क्या है, ठीक है? कैसे है कि ओके सर। अगर इसमें सिखा तो रहा नहीं हूँ तो पता चला अगर बहुत बिगनिंग लेवल पे होगा तो तुम्हारा नुकसान होगा ना, ठीक है? तो जी सर, तुम हाँ मुझे भेज देना, अरे गिरना जाए नीचे वहाँ। चलेगा? ओके सर, ओके थैंक यू सर। मनोज, ओके चलेगा। मनोज कुछ पूछना चाह रहे हेलो हो? हेलो, जी यस मनोज सर, बोलिए। जी सर, जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक्चुअली मैं अभी सर सिविल इंजीनियर में, अभी मैं सर मेरा अभी 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और एक हाँ मुंबई की कंपनी में वाराणसी से सर बिलोंग करता हूँ। तो करेक्ट, एक्चुअली मैं सर ड्यूटी करता हूँ सर, मैंने आपका सब कुछ देखा, हमें अच्छा लगा कि BIM करूं या स्ट्रक्चर करूं सर। करेक्ट, तो स्ट्रक्चर तो सर हमें मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में तो मतलब बहुत डीप में तो मुझको नॉलेज नहीं है सर, बट ऐसा नहीं कुछ जानता हूँ। बीम में भी सर हमें अच्छा लगता है सर, ये चाह रहा था सर कि डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ सर क्या गैस करूँ। अभी आप लोगों को गौरव के बारे में बोला था, गौरव आ भी गया है, ठीक है? तो आप अभी क्या बोलते हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि अपन क्या करें, राइट मनोज? आपका एक्सपीरियंस कितना है मुझे वो बताओ, पहले मैं बताता हूँ। एक्चुअली सर मेरा एक्सपीरियंस 7+ years का है सिविल में, बिल्डिंग मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन। आपका ज्यादा लैपटॉप पे हाथ सेट नहीं है, हाथ सेट है क्या लैपटॉप पे आपका? हाँ सर, एक्चुअली सर मैं ऑटो कैड पे, अब जैसे लोकल जैसे किसी क्लाइंट का सर आ जाता है तो मैं ऑटो ऑटो डेस्क पे ऑटो कैड पे मैं ड्राइंग देता हूँ सर, बना के जो हमें मतलब आता है, महीने में एक दो आ जाता है तो मैं दे देता हूँ सर, प्लान दे देता हूँ। हाँ ओके मतलब कि आपको प्लानिंग करना मतलब कुल मिला के आता है? हाँ तब तो ठीक है, मतलब अगर कैसे, बस यही दिक्कत होती है कि अगर हाथ सेट नहीं है ना तो उसमें 1-1.5 महीना चला जाता है मनोज। तो आपको एक तो ये, चलिए आपको अच्छी बात आपने बताया कि आपको क्या बोलते हैं हो जाता है। दूसरी चीज़ मनोज, आप क्या बोलते हैं, टाइमिंग क्या है आपकी जॉब का वहाँ पर? सर 9 से 5:30, 5 यही है मेरा। ठीक है, आपको ये गुरुकुल 1 मंथ वाले से तो कुछ नहीं होने वाला आपका, आपको 4 महीने समय देना पड़ेगा दोस्त, और वो आप 15 अप्रैल से कर लीजिएगा, ठीक है? 15 अप्रैल अच्छा से अच्छा लेके सर, क्या बोलते हैं चलेगा वो, 4 महीने का है पूरा वो कंप्लीट, उसमें आपको करना पड़ेगा अच्छा ये, सर, इसमें आपका नहीं होगा क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है अभी, रेविट पूरा पढ़ना है, ठीक है? तो इसलिए आप उसको करिएगा, हम आपको सिलेबस वगैरह भिजवा देंगे, आप देख लीजिएगा आराम से डिसाइड करिएगा, आपको कोई फोर्स नहीं है, बट हाँ जब आइएगा तो पूरा डेडिकेट होके आइएगा कि हाँ मेहनत करना है, ठीक है? तो सर ये कह रहा था कि जो 4 मंथ में हमको कोर्स करने हैं सर, तो उसके लिए टाइमिंग सर क्या होगी, कितना रात में दस टाइम रात हमको में 10 से साढ़े देना ग्यारह आपको 4 घंटा समय देना पड़ेगा, चलेगा सर? 4 घंटा समय रात में सर मैं, अच्छा रात में ही रहता है हमारा क्लास, रात में ही रहता है, हम लोग रात वाले जुगनू हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, रात में आपका 10 से साढ़े 11 और सर चलेगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी सर ने एक गेट का ड्राइंग, उन्होंने मतलब जैसे अपने जो बिल्डिंग के जिन्होंने बिल्डिंग के हमारे जो ये ऑनलाइन उन्होंने हायर किया था जिस आर्किटेक्ट को, तो उन्होंने हाँ एक गेट का डिजाइन भेजा सर। तो मैं आर्किटेक्ट भी मैंने कुछ काम किया उनसे, कहीं अच्छा मैं गेट उनको इस आर्किटेक्ट को मतलब करके अच्छा
प्लानिंग करके और डिजाइन करके, 3D में काफी अच्छा लगा हम लोगों को। ओके बहुत बढ़िया बात है, तो बहुत अच्छी तो बात है। अगर आपको, अगर आर्किटेक्चर डिजाइन आपका आर्किटेक्ट से बेटर है, तो उससे बड़ा क्या बात हो सकती है, बेटर प्लस पॉइंट हो यही गया। मैं सोच रहा हूँ सर, मेरे लिए मुझे बेटर अपना DIM ही काम मुझे रहेगा। हाँ मुझे अपना काम भी दिखाइएगा, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा देखते हुए। ठीक है, ये मेरा नंबर मैंने ग्रुप में दिया हुआ है, कल लगे तो व्हाट्सएप करिएगा अपने काम को। यस BIM आपके लिए डेफिनेटली, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आपके लिए BIM बेस्ट है बेटर। ठीक है, और सर वन सेकेंड सर, मैं और देना बोलिए चाह रहा था सर, बोलिए एक्चुअली बोलिए बोलिए। सर मैं फॉरेन की सर सोच रहा था जाने के लिए, तो कहाँ? क्या करूँ सर मैं सिविल। फॉरेन सर तो मेरा फ्रेंड है सर, वो रहता है सर साउथ अफ्रीका में। फॉरेन में हाँ कौन सी कंट्री में जाना चाह रहे हो आप? तो सर साउथ अफ्रीका वो रहता है, इसके लिए वो बोल रहा था कि क्या होगा क्या आप इधर, मैं सिविल में आपको जॉब दिला दूंगा, तो नहीं, कैसा जॉब रहेगा सर मेरे लिए अभी, मतलब दिला देना एक अलग चीज है, जॉब लेके जाइए आप। और साउथ अपनी। हाँ अफ्रीका, सर वो फिलहाल साउथ अपनी सर अफ्रीका की कंपनी से मार्केट वो मुझे बोल नहीं रहा पता था। है, साउथ अफ्रीका का मार्केट मुझे नहीं क्लियर है। अगर आप दुबई होता, सऊदी होता, या फिर US होता, कनाडा होता, तो मैं बता देता आपको कि हाँ बेटर है। आप साउथ अफ्रीका का रिसर्च करो, ठीक है, नेट पर डालो कि साउथ अफ्रीका में सिविल अच्छा इंजीनियरिंग की जॉब ओपनिंग्स कितनी है, मार्केट कितना बड़ा है, ठीक है, मार्केट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपको आइडिया लगेगा। आपको अगर नहीं समझ आएगा कैसे रिसर्च करना है, तो मुझे सुबह व्हाट्सएप करिएगा, 1-2 घंटे का समय दीजिएगा, मैं सर्च करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना, वहाँ पर BIM का क्या ठीक स्कोप है है मुझे सर, नहीं पता, मैं अगर बिल्कुल बता दूँ तो गलत होगा। ठीक है, नहीं, बिल्कुल 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 चलेगा, बिल्कुल सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूँ मैं जी। आशीष का, चलेगा मनोज। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके जी, मोस्ट वेलकम। यस आशीष बताइए। हेलो सर, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, सर अभी आपसे बात हुई थी हमारी, तो एक याद क्वेश्चन है अभी मेरा सर, बोलो। इसमें एक BIM और BDC में इनमें कोई डिफरेंस है या दोनों एक दूसरे से रिलेट है, रिलेट है बट डिफरेंस भी है, ठीक है क्या डिफरेंस। ठीक है। VDC जो होता है वो वर्चुअल कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, तो उसमें वो उसमें थोड़ा सा साइट का एक्सपीरियंस अगर रहता है, क्योंकि VDC आप देखेंगे ना, तो VDC में एक्सपीरियंस जरूर मांगेगा, ठीक है, जहां पर भी VDC का आप ओपनिंग सर्च करेंगे वहां पर आपको थोड़ा सा ओपनिंग्स वो करता है। अगर जो कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि उसमें क्या होता है, VDC डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर से, CM से, ठीक है, और CM जो होता है वो साइड वाला बंदा होता है ज्यादातर, ठीक है, कंपनियों के अंदर, तो वो उनके बात को समझता है, फिर उसको वर्चुअल डिजाइन करवाता है, और फिर ये BIM में आता है, वहां पर BEP की जाती है, BIM एग्जीक्यूशन प्लान उसके बाद ही किया जाता है। तो BDC जो है वो BIM का ही एक प्रोफाइल है, ठीक है। इवन जो US बेस्ड कंपनी है उनमें तो BDC कंपलसरी है, कि एक कंपनी में 8-10 ओपनिंग BDC की रहती रहती है। अभी रिसेंटली हम एक गए थे नागपुर, तो आप हमारा एक स्टूडेंट था, वो एक कंपनी है Base4, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वो BDC के प्रोफाइल पर ही काम कर रहा है, ठीक है, जबकि अच्छा, BIM की ही कंपनी में, तो BDC BIM का ही एक प्रोफाइल है। क्योंकि इस वक्त US में BDC को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा, मैंने वही बोला ना, US बेस्ड कंपनी में, ठीक है, तो US क्योंकि बेस्ड कंपनी में बहुत सर ज्यादा है। मैं भी जो जॉब कर रहा हूँ, मेरा सोलर का डिजाइनिंग है, बट वो भी US का ही जॉब है, करेक्ट, तो अभी हमारा पैकेज 9 लाख का है। हाँ अगर मैं BIM में स्विच करूंगा तो उसमें कुछ सैलरी कम होगी या इसके अप्रोक्स में मिल जाएगी। अभी DC का एवरेज पैकेज देखो, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, ये एवरेज पैकेज है, ठीक है, जैसे BIM अगर फिट करूंगा मैं तो हाँ उसी में बोल रहा हूँ। अब वो डिपेंड करेगा ब्रदर कि आप उतना नॉलेज प्रूफ कर रहे हो क्या। देखो कंपनी किस चीज़ का पैसा देती है, अपने काम का पैसा देती है ना। बिल्कुल सर। अगर आप उसके काम को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, मैं किसी को, मैं भी तो एक एंटरप्रेन्योर ही हूँ, मैं किसी को हायर करूंगा, तो अगर मुझे उससे 10 लाख का फायदा हो रहा है, तो 1 लाख देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं उसे कमाऊँ 5 लाख, दूँ 10 लाख, तो मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, है ना। तो इस कंपनी को आप वर्थ लगे, इतना सीख लें कि आप वर्थ लगे उनको, बिलीव करिए कोई दिक्कत नहीं कंपनी को पे करने में, क्योंकि कंपनी अपने जेब से थोड़ी कर रही है, आप कमा के ला रहे हो, आप ही को बिल्कुल दे दिया, खत्म, ये तो एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। तो सर, आपको वर्थ बनना पड़ेगा। 9 लाख का पैकेज लेने का मतलब है कि आपको 9 लाख के लेवल का काम करना पड़ेगा। अभी हमारा एक स्टूडेंट है शुभम तिवारी करके, ठीक है, अभी एज अ बिल्कुल टीचर भी हमारे साथ जुड़ने वाला है कुछ पार्ट टाइम के लिए, तो मतलब ऐसे गेस्ट रूप में, लेकिन उसका अभी सोलर में ही वो एंट्री किया हुआ है। कंपनी का नाम विंडो समथिंग करके है, विल मार समथिंग ऐसे कुछ है क्या, AC की कंपनी है, सोलर की कंपनी, बट स्ट्रक्चर डिजाइनर है वो, ठीक है। उसमें अच्छा उसको 10.10 का पैकेज लगा, ठीक है, और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, लेकिन उसका नॉलेज जो है उसको देख के मुझे वर्थ लगता है कि उसको ये मिलना चाहिए नॉलेज,
क्योंकि बात अभी सब मैं प्रॉपर लगभग 90% मेरा काम इलेक्ट्रिकल का होता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट का, करेक्ट ड्राफ्टिंग 2% आती है, तो इसलिए अगर करेक्ट स्विच करूंगा तो थोड़ा तो कुछ तो मैं करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत पीछे भी आना पड़ सकता है, इतना रिजिड नहीं रहना पड़ेगा। कैसे होता है, मैंने बताया था ना अभी उनका, कि एक कदम पीछे आया फिर दूसरा कदम अच्छा गया, है ना, तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी लेकर चलनी पड़ेगी। एक कोई लड़का था, उसको तो मैंने बोला था कि भाई अपना, उसका करेंट जॉब किसी और प्रोफाइल में था, मैंने बोला था 6 महीने का बैकअप लेके चलो। बोलता क्यों सर, मैंने बोला हो सकता है 6 महीने तुम्हारी सैलरी कम रहे, तो ये बैकअप को ऐड करके घर पे बता देना बराबर चल रहा है काम, ठीक है। तो कभी कभी ये स्टेप कर लेना पड़ता है बड़े डिसीजन के लिए। तो कैसे होता है, सोलर इंडस्ट्री तुमको ही पता है एक टाइम के बाद रिजिड हो चुकी है। दिक्कत इसमें क्या है, सोलर इंडस्ट्री के साथ या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री ऐसी है ना जिनमें मोनोपोली है किसी एक का। अब आप स्विच करोगे तो मार्केट में कुछ ही खिलाड़ी हैं, पता नहीं आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, कुछ ही खिलाड़ी हैं, तो इसलिए उन्होंने फिक्स कर रखा है भैया ये स्टैंडर्ड है, खत्म। जैसे कि वो जियो में काम करने वाला इंसान क्या सोचेगा, कहाँ जाऊं, एयरटेल, एयरटेल वाला क्या सोचेगा कहाँ जाऊं, जियो। जियो यही चीज ये सोलर, आइडिया ये यही चीज सोलर में है बड़े लेवल पे। छोटे लेवल के बहुत इंप्लॉई है, ठीक है, बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डेप्थ में सोचो तो सोलर किसके ऊपर बैठा हुआ है आपको अच्छे से साथ पता हो इसके बारे में, जिसका ठीक है। फ्यूचर स्कोप क्या है, BIM का कैसा रहेगा आगे का, बीआईएम कितने का बहुत अच्छा फ्यूचर साल होने तक? वाला है, उसको साल इसका कम से कम 25 से 30 साल। रीजन उसका अच्छा है, रीजन ये है ना ब्रदर, कि आप सोचिए कि एज ए बिल्डर, मैं भी बिल्डर बनना चाहता हूँ बेसिकली। तो अगर मैं एज ए बिल्डर आज आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए 80 करोड़, 80 लाख रुपए का 1-2 BHK मैं आपको दे रहा हूँ और आपको 5 साल बाद दूंगा, आप मुझे पैसा नहीं दोगे 80 लाख रुपए, नहीं देना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक जगह बैठाया और प्रॉपर एक बी मॉडल दिखाया आपको, एकदम रियलिस्टिक वे में दिखा दिया कि देखो भैया इस समय तो ये 80 लाख लग रहा है आपको, बाद में 80 लाख का इन्फ्लुएंस रेट हो जाएगा तो ये 80 लाख हो जाएगा 50 लाख के बराबर, और ये भी इस बालकनी में बैठ के आपका व्यू ऐसा रहेगा, आपके बच्चे गार्डन में ऐसे खेलेंगे, स्कूल ऐसा होगा, हॉस्पिटल ऐसा होगा। जब मैं आपको पूरा फील करा दूंगा उस चीज को, बिलीव करिए आप आराम से उसको पैसे को देके जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल तो सर। अभी मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले एक कंपनी में गया हुआ था, वैसे वो लोग बिल्डर ही थे, तो उनका कुछ फ्लैट सेल हो रहे थे, मेरा एक स्टूडेंट था, बोलता सर प्लीज आइए आइए, उनको भी अपना नंबर दिखाना पड़ता है ना मार्केटिंग के लिए कि कितने लोग विजिट किए। मैंने भी सैटरडे संडे था, मैं घूम के आते, मैं जाता रहता हूँ, तो मैं वहाँ बैठा, बिलीव करो मेरा कोई फ्लैट लेने का मन नहीं था, उसके वॉक थ्रू को, उसके मॉडल को देख के मेरे अंदर से आया कि पैसा लगाना चाहिए इसे, ठीक है। फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद वो भूत उतरा मेरे अंदर से, लगा कि समझदारी दिखाओ, ये बहुत लंबे गेम है और ये अपने लेवल के गेम नहीं है अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो करोड़ में थे वो फ्लैट्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जॉय विला आप समझ सकते हैं, बड़े साफोजी पालन जी के प्रोजेक्ट्स थे, तो लेवल होता है उनका, ठीक है, तो पैसे उनके ज्यादा रहते हैं। फिर हाल आप ये आइडिया लगाओ कि उससे मॉडल से क्या प्रभाव हुआ मेरा, और आने वाले दिन में ये कितना ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा ये मॉडल। हो सकता काफी है ज्यादा आप, हो गया है, हो सकता है टेक्नोलॉजी आप, बढ़ती रहेगी बस। हो सकता है आपको चेयर पे बैठा दे, एक सामने वो लगा दे जो आता है ना एक आजकल की, वो 3D देख सकते हो उससे कुछ हाँ आंखों पूरा खोल के, वो ऐसे कुछ करा ऐसा लगे देंगे, कि मतलब बिल्डिंग में हम अंदर, बिल्डिंग में बिल्डिंग में अंदर हम रह के ये हैं कर। और उसमें भी मॉडल बन रहे हैं, आप प्रॉपर देख रहे हो कि यहाँ मेरा सामान रखा है, आपके यहाँ पे किताब रखा हुआ है, और हो सकता है वो ये रीड भी कर ले, क्योंकि भी में ऐसा होने वाला है, हो सकता है कि मुझे पता चल जाए कि आशीष आने वाले हैं और मैं एक मार्केटिंग पर्सन हूँ, मैंने बोल दिया पहले पता कर लिया आशीष को पसंद क्या है, आशीष को पसंद है बुक्स, आशीष को पता नहीं गार्डन पसंद है, और मैंने VR में सेट करवा दिया, गार्डन पूरा दिखाई दे वॉक थ्रू के अंदर, ठीक है, उसके बाद बुक्स दिखाई दे, इंप्रेस हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। और ये दिन बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी मैंने फ्यूचर बोल दिया तो होने वाला ही है, ठीक है। क्योंकि सर सोलर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वही सेम नॉलेज डेली डेली रिपीट कर रहा हूं मैं, वही सेम देखो डिजाइन। देखो कभी भी तो किसी भी इंडस्ट्री का अगर लिमिटेशन होता है तो वहां बोर होता है, ठीक है। जैसे कि इसका एक लिमिटेशन है सोलर का, जो बेसिकली तुम रिचीव कर चुके हो वहां तक। और बीम में क्या होता है, बीम में एक लेवल, एक प्रोफाइल है ही नहीं ना, बीम मॉड्यूलर बने, फिर स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर बने, फिर बीम टेक्नीशियन बन रहे हो, बीम इंजीनियर बन रहे हो, बीम स्पेशलिस्ट बन रहे हो, बीम लीड बन रहे हो, बीम कोऑर्डिनेटर बन रहे हो, बीम मैनेजर बन रहे हो, फिर BDC पे काम कर रहे हो, कितना बड़ा। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी इंजीनियर बन रहे हो बीम के अंदर, फिर बीम इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर बन रहे हो, बहुत बड़ी ढेर सारी प्रोफाइल है, ठीक है। तो फिर इसलिए नॉलेज भी अपग्रेड होती रहती है बार। होना ही है, नहीं करोगे तो फ्लॉप हो जाओगे ना, यहाँ पर यही है। बीम के अंदर सीखते रहे तो बढ़ते रहे। अब ये मैंने जो आपको बोला है, ये देखिएगा आज से कुछ समय के बाद ये चीजें होने वाली हैं, ठीक
ठीक है, कि आपको वही चीजें दिखाई जाएंगी, वैसा ही मॉडल आपके लिए बनाया जाएगा जो आपको पसंद आएगा, जिससे कि आप 80 लाख की जगह पर 1.5 करोड़ दे के जाओगे उसी चीज का। ठीक है, क्योंकि अभी सोलर में ऐसा हो रहा है, सोलर में जो डिजाइन है वो एआई के थ्रू, जैसे जो डिजाइन में मुझे एक वीक लग जाता है तैयार करने में, वो एआई जो है ना 15-20 मिनट में तैयार कर देता है। तो ऐसा बीआईएम में लॉजिक आएगा क्या फ्यूचर में कभी? बिल्कुल बिल्कुल आएगा, ठीक है। लेकिन याद रखो, जहां लॉजिक की जरूरत होती है वहां आपकी नीड पड़ेगी। और जो एआई है वो एआई कुछ खराब चीज नहीं है, वो आपके लिए एक वेपन है जब आप उसको यूज कर पाए, ठीक बिल्कुल है। सर। अब वो वेपन यूज करने का टेक्नोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा। अगर हम बैठे रहे और वेपन सबने सीख लिया, राज वो करने लगेंगे, हम बन जाएंगे, नौकर हो जाएंगे, ठीक है। आज वही तो बिल्कुल हुआ, मैं अभी रिसेंटली एक जगह गया था, घर पे पेपर की रजिस्ट्री करवानी थी मुझे, तो रजिस्ट्री करवाने के लिए वो टाइप राइटर नहीं होते टक 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 वाले, ठीक है, उनको देखा, और वहीं बगल में कंप्यूटर वाले टाइप राइटर थे। देख के बड़ा कुछ रियलाइज हुआ, इनको एक चीज को टाइप करने में क्या हो रहा है, लगभग 1 घंटे लग जाता था पूरा मैटर टाइप करने, बहुत बड़ा मैटर होता है रजिस्ट्री का। उसके बाद सारा फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है, नाम बताओ, एडिट किया, प्रिंट ले जाओ सर। सर उनका काम जल्दी हो गया, जल्दी कर दिया उसने, क्योंकि हुआ क्यों, वही टेक्नोलॉजी चल रही थी, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया ना वो। एडॉप्ट कर लिया उसने, ठीक है, और वो एडॉप्ट करके वो फॉर्मेट बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप इससे समझ जाओ कि अगर हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेंगे तो टेक्नोलॉजी हमें और अच्छा रीच आउट करके जाने वाला है, ठीक है। मुझे याद आता है वो दौर जब शायद आप लोग भी बहुत छोटे रहेंगे, मैं भी छोटा ही था, एक बैंक था विजया बैंक हमारे घर के पास में, वहां पर एक मुनीम जी थे, ठीक है, जो कि हाथ से लिखते थे रजिस्ट्री में, कि रजिस्टर में, कि आज आपने कितना 500 रुपए जमा किया, अच्छा आपका नाम क्या है, ए नाम वाली फाइल पहले निकालते थे, उनकी पट्टे लगे होते थे गले में, तो हम लोग कभी कभी हंसी मजाक भी, बचपन था तो ए नाम की फाइल निकालते, अच्छा आपका नाम क्या है, हमारा अकाउंट तो होता नहीं था, मेरे अंकल का होता था, अजय पांडे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ही आ गया 2004 और उसके 5 के आसपास, उसके बाद आ गया कंप्यूटर इतना बड़ा वाला, ठीक है, बिलीव करो जॉबलेस हो गए, ठीक है। उनको बिल्कुल उनको सर। काम क्या दे दिया पता है, वहां पर वो इस समय पर कैशियर वैसियर थे, उस समय काम दे दिया कि आप लॉकर के सामने बैठे रहो, कोई आएगा उसको चाबी दे देना, वो अपना लॉक खोल के जाएगा, ये काम करने लगे थे वो, ठीक है। क्योंकि अभी हमारी कंपनी ने भी इसी एआई के वजह से लगभग 370 जॉब, 370 समझो, बंदों को निकाल दिया कंपनी ने, ठीक क्योंकि है, ऑटोमेशन हो रहा है कंपनी में, सीधी तो सी बात डिजाइन है, को जल्दी बना दे रहे हैं। हर इंडस्ट्री एडॉप्ट करेगी, हर इंडस्ट्री, देखो कैसे होता है यार, देखो सही भी स्वाभाविक सी बात है, अगर अभी हम लोग भी, हमारा एक भी फॉर्म रजिस्टर्ड हो रहा है, ठीक है। अब मैंने अपने जो मेरे मेंबर है जिनके साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ पार्टनरशिप में कंपनी हमारी, तो मैंने उनको बोला कि हम कोई भी फालतू का टीम नहीं हायर करेंगे। बोलता है क्यों, मैंने कहा हेडक नहीं पालेंगे, इनको कॉल करो इनको काम दो, नहीं बैठे रहेंगे इनको काम दो बैठे रहेंगे। मैंने कहा थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च करो, सभी चीजों को थर्ड पार्टी अटेंड कर लो, ठीक है। अब थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, ठीक है, एक थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, एक थर्ड पार्टी अलग से रखे रहो कि इसका मुझे गड़बड़ लगा तो तुम्हारे पास उठा दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया, थर्ड पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले रहा है, तो ये फिक्स है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता रहेगा, जो वेपन यूज करना जानता रहेगा, वो हमेशा आशीष एंड एवरीवन आगे कमाता रहेगा, अच्छा खासा करेगा वो, ठीक है। तो सीखते रहो कि बढ़ता नया क्या आ रहा है, सीखते रहो, ठीक है, है। चलो ओके 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 जी। नाउ मिस्टर राजी, थैंक यू ओके जी, मोस्ट वेलकम मिस्टर राजी, पूछ लीजिए, फिर आई थिंक हम लोग को विराम देना चाहिए इसके बाद। यस राजी बोलिए। अच्छा राजी है नहीं, उन्होंने माइक ऑन किया हुआ था, ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं है गाइस? यस सर। मुझे संदेश कुछ पूछ रहा है, यस संदेश बोलो। हाँ सर, मैं ये सर पूछ मुझे रहा एक था थोड़ा सा रुक जाना राजी, पहले संदेश का हो जाए फिर आपका पूछते हैं, आप चले गए कि थे, ठीक है, चलेगा। सर दुबई दुबई में स्ट्रक्चर को स्कोप है क्या, मतलब कितना मार्केट है दुबई में वहां पे? दुबई का मार्केट बहुत बड़ा है स्ट्रक्चर को लेके, लेकिन याद रखो दुबई में जाने से पहले एसीआई कोड अच्छे से पढ़ लेना। दुबई में सारे लोग एसीआई कोड पे डिजाइन कर रहे हैं और ईटीएफ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, बुर्ज खलीफा ईटीएफ पर डिजाइन हुआ है, वहाँ की जितनी भी ट्विन टावर्स, लेकिन जितनी भी आपने बिल्डिंग्स देखी बड़ी बड़ी, सब ईटीएफ पर हो रही है, बट एसीआई कोड बिना पढ़े जाओगे तो आप फ्लॉप हो जाओगे। लोग एसीआई कोड पर काम करते हैं, ठीक है, चलेगा। यस अब बोलिए, सर बोलो 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 आराम से राजी, बताओ। फॉरेन के प्रोजेक्ट आते हैं सर स्ट्रक्चर में अपने इंडिया में? बहुत कम हो गए, ठीक है,
उसका रीजन बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि क्या बोलते हैं, जो कुछ कंपनियां हैं, मैं नाम भी जानता हूँ, जैसे कैसे इंजीनियर से वो लोग लेते हैं, गिन के कंपनियां हैं। उसका रीजन ये है कि अब इनको उन लेवल के एम्प्लॉय नहीं मिलते, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बोलूं कि एशियाई कोड चाहिए, ब्रिटिश कोड चाहिए, जापानीज कोड चाहिए और इंडियन कोड चाहिए, इंटर करके अप्लाई कर दूं, मेरे पास अप्लाई कोई नहीं करेगा। मानते हो बात कि नहीं? ठीक है, जब मेरे पास कोई अप्लाई नहीं करेगा तो वो मैं प्रोजेक्ट उनका करके कैसे दूंगा। प्लस चलो घिसे पीटे दो चार लोगों ने रिस्क लेके अप्लाई भी कर दिया तो उनको काम नहीं आएगा, ठीक है। और यूएस का एक फंडा है कि यूएस में आप कोई भी यूएस का प्रोजेक्ट करेंगे, आप फ्यूचर में देखिएगा, तो उनकी एक्यूरेसी लेवल इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ रहा तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं करवाएंगे आपसे दोबारा प्रोजेक्ट, तो कंपनी को हो जाता लॉस। इंडिया में बिलीव करो, जो वर्किंग ड्राइंग होता है, आप तुम तो खुद ही काम कर चुके हो, तुमने देखा ही होगा कि जो ड्राइंग होता है, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है, हाँ सर, ठीक है, बहुत बहुत अंदर रहता बहुत अंतर। लेकिन ये चीज स्ट्रक्चर वहां पर यूएस में नहीं है। कैसे कि जिसका मैं नाम ले रहा था, वहां पर कई लड़के काम करते हैं, बताते हैं कि सर अगर एरो हमने छोटा कर दिया, उन्होंने एरो 2 mm का मांगा था, हमने 1.5 mm का कर दिया, ड्राइंग में रिवीजन आ जाता है, फिर खोजते हैं हुआ क्या, पता चला एरो के साइजेस गड़बड़ थे, ठीक करके भेजना सर। पड़ता है, टैक्स साइज के लिए रिजेक्शन लेटर दे देते हैं यूएस वाले। दे देते हैं। अब देखो आशीष खुद ही काम कर रहे हैं, तो आप सोचो कि एक छोटी सी चीज है, चाहते तो इग्नोर कर देते, चाहते तो उसको जाके बढ़ा कर देते एक ही बार, बढ़ाना था नहीं, रिवीजन, ठीक है। तो ये हाल है उनके एक्यूरेसी का, तो एम्प्लॉय मिलते नहीं है, और जब एम्प्लॉय मिलते नहीं तो यहाँ के लोग वहाँ का काम उठाना पसंद नहीं करते हैं। और आप बोलोगे सर फिर हम लोग को तो पढ़ना चाहिए, आप पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन जब पढ़ना चाहिए तो रिक्वायरमेंट भी तो चाहिए, लोग तो छोड़ चुके हैं ना, प्लेस कहाँ करेंगे। और जब प्लेस नहीं होगे, जो दो चार लोग हैं वो गिना चुना पैसा देते हैं, मतलब मात्रा कम रहती है पैसे की, तो लोग जाना क्यों चाहेंगे उस पैसे पे, ये इसलिए प्रॉब्लम है। बट यूएस में अगर तुम अगर दुबई जा रहे हो, दुबई में स्ट्रक्चर का अच्छा पैकेज है, अगर अमेरिकन कोर्स सीख के जाते हो तो बहुत प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। और सर बीएम की मतलब एक जनरल पूछ रहा हूँ, बीएम की जनरल कंसल्टेंसी अपन ओपन कर सकते क्या ऐसे? मतलब देखी नहीं यार, इसे बीएम का आर्किटेक्चर ही रहता है ऐसा, नहीं बाकी नहीं कंसल्टेंसी तो देखी नहीं अभी। अब खुल रही है, वो दौर अब आया है, ठीक है। अभी तुम अच्छा जहां तक देखो वहां तक नहीं पहुंचे हो, बट अब हाँ स्टार्ट हो गया है, अब बीम की कंसल्टेंसी खुल रही है, बीम की कंपनी खुल रही है, और अच्छी बात यह, जिस कंपनी के बारे में अभी बता रहा हूँ, हम लोग भी करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग भी अभी बीम के प्रोजेक्ट्स उठाएंगे, और पूरा बीम की कंसल्टेंसी, बीम और स्ट्रक्चर की मिक्स कंसल्टेंसी बनाने का प्रोग्राम है, और पार्टनरशिप में कर रहा हूँ अकेले, क्योंकि मेरे पास भी समय जानते हो बहुत लिमिटेड रहता है, तो इसलिए साथ में कर रहे हैं। बट हाँ बहुत जल्दी हम लोग खुद ही कर रहे हैं, मतलब बहुत इंडिया में आने आ चुका है एक्चुअली, अभी हम लोग कोई पाले नहीं है, करीब करीब मैं तो 70-80 तो मैं जानता हूँ आराम से आ चुके हैं, ठीक है। हाँ पुणे में अब बहुत आगे है सर। बहुत आ चुके हैं, अभी मैं नाम लूँ तो नाम लिस्ट बड़ी सी है, गुड़गांव वगैरह में मैं बताऊँ तो 10-15 लोग तो गुड़गांव में है जो मुझे जानते हैं, उनकी खुद की कंसल्टेंसी चल रही है, ठीक है। तो अभी बड़ा, और प्लस जो इन हाउस कर रहे हैं उनका आपको पता नहीं है, इन हाउस मतलब जो घर पे बैठ के फ्रीलांसिंग करते हैं, बहुत लोग हैं बीम के अंदर, ठीक है। सर और एक चल रिक्वेस्ट थी थोड़ी, बोलो बोलो, अपना ऑल इन वन का जो क्लास 1 क्लास 2 उसको नेमिंग कर दो सर, वो थोड़ा दिक्कत हो जाती बाकी। वो अच्छा है, तुम्हें चाहिए तो मैं एक्सेल शीट दे देता हूँ, मेरे पास है एक्सेल शीट ना, मैं देता क्यों नहीं हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। मैं चाहता हूँ हर कोई शॉर्टकट को ना अपनाए, जाके डिटेल में पढ़े तब उसको पता चले कि हाँ इसके अंदर क्या है। तुमको मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम एक बार पढ़ चुके हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें दे दूंगा एक्सेल शीट, मेरे पास रखी हुई है हर लेक्चर में क्या है, बट मैं और लोग को नहीं दूंगा, इसीलिए कि जाके पढ़ो ना, उन्हें पता क्या वो खोजेंगे, अच्छा ये वाला पढ़ लेते हैं बाकी छोड़ देते हैं, वो फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ चलो अभी क्वेश्चन राजी का लेने दो, फिर विराम देना पड़ेगा कि 10 बजे है, मुझे दूसरे क्लास में जाना है, ठीक है। यस राजी बोलिए। सर मोहम्मद रजी अच्छा रजी, सॉरी, यस रजी बोलिए। सर, मैं अभी साइट एग्जीक्यूशन में हूँ, ब्रिज एज अ ब्रिज इंजीनियर, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। सर मैं पूछना चाह रहा था कि बीम का क्या यूज है ब्रिज में? ब्रिज में बहुत ज्यादा यूज है, अभी ब्रिज का मार्केट अब खुल रहा है, ठीक है, अभी पूरी तरीके से आया भी नहीं है, एक तरीके से मानो तो सारी कंपनियां यूज नहीं कर रही हैं, बट जो यूज कर रही हैं, जैसे कि दिल्ली बिल्डकॉन बीम को यूज कर रहा है अगर आप देखे हो तो, ठीक है, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो कि बीम को इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं ब्रिज वाली। मैं उनकी ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, ठीक है, तो मेरे से सीखना भी समझदारी नहीं होगा, तो लेकिन आपको सीखना चाहिए अगर कोई सिखा रहा है तो।
रीजन ये है कि अभी देखो कैसे होता है कि ब्रिज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी आपने देखा है इसका भी बी मॉडल बना था है, जो मुंबई वाला अभी बना है बड़ा प्रोजेक्ट, जो नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया, पता नहीं नाम क्या है, ठीक है, जो अभी मुंबई में रिसेंटली बना समुद्र के ऊपर जो ब्रिज बना है, ठीक है, तो उस ब्रिज का पूरा बीम मॉडल बना हुआ है। रीजन ये है कि बीम के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, 100 करोड़ 150 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अटल सेतु, ठीक है, उसका पूरा बीम मॉडल है, थैंक यू और साहिल। तो अब सर, ऐसे, हाँ जी बोलो, सर अभी आप जो ऑटोकैड और रेविट स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर नेविस वर्क जो सिम्बियोसिस, सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं सर, वो अभी हाँ एआई बेस्ड है या फिर अभी नॉर्मली जैसे पहले चल रहा था वैसे ही? नहीं, एआई बेस्ड नहीं है ये, नॉर्मल ही है, और एआई का अभी कोई सक्सेसफुल प्लगइन इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, एक केवल एक दो रेंडर के लिए प्लगइन आए हुए हैं, और अभी धीरे धीरे हो सकता आएगा, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, ठीक है, और डेफिनेटली ऑटो कैड में तो अभी नहीं वो ऐड करेंगे ना, ऑटोडेस्क वालों को ऐड करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा, ठीक है, जी वो जी सर, ऑटोडेस्क का काम है, जैसे कि आजकल देखने मिल रहा है यूट्यूब वगैरह पे सर, हाँ, ऑटोकैड का एआई बेस्ड आ गया, ऐसा कुछ रेविट, चल रहा है इसीलिए? रेविट में थोड़ा सा आया हुआ है प्लानिंग के लिए, बट अभी कंपनीज में एआई बेस्ड कोई भी प्लान नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी सारे के सारे अपने स्ट्रेटजी मेथड से ही कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं, देखो कैसे होता है, जहाँ पर भी पर्सनल टच देने की आवश्यकता होगी वहाँ पर आपको रखना ही रखना पड़ेगा कंपनी को, एआई ओके रिप्लेस नहीं कर पाएगा, मेरा मानना है। रीजन ये होता है कि जैसे कि मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मानता हूँ कि मेरे सामने को मेरे जगह कोई और आ जाएगा एआई के रूप में, बट जी शायद वो आपके उस फील को नहीं समझ पाएगा जो आपको चाहिए, और जो मुझे बता रहा हूँ शायद वैसा नहीं बता पाएगा, ठीक है, जी जी मेरा मानना है, सर, एक तो क्वेश्चन और है सर, बोलिए। अभी मुझे एज अ ब्रिज इंजीनियर बीम सीखना चाहिए। एक्चुअली आपने बोला कि मैं तो नहीं सिखा रहा हूँ, आप नहीं सिखा रहे हैं, तो मैं तो आपसे ही सीखना चाह रहा था सर, इसीलिए मैंने कई बार आपसे पहले भी कांटेक्ट ठीक है, किया ठीक है। है, मैं अगर ब्रिज का सिखाऊंगा ना, कुछ है नहीं जी ब्रिज का, हम लोग टेकला में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा यहाँ पे स्टूडेंट है सुभाषीष है, इसको पता है, संदेश भी स्टूडेंट है, कई हमारे ओल्ड स्टूडेंट, उनको पता है, हम सिखाते हैं, ऐसा नहीं सिखाते नहीं, हमारे टेकला में है, ठीक है, लेकिन हमारा जो 85% कोर्स है वो बिल्डिंग का है, जी आप जी जी उम्मीद करके आओ ब्रिज का तो जी आपकी वो सर उम्मीद खराब होगा, ठीक जी है, जी और मैं ऐसा टाइप का इंसान हूँ, मैं खुला रहना चाहता हूँ, कल को आपको ये फील ना हो कि अरे यार सर ने मेरे को बेवकूफ बनाया, ठीक है, मैं बहुत क्लियर, ठीक है, तो इसलिए मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, भैया मेरे पास ये है, ठीक है, हाँ सर, और मैं एब्रॉड मैं, जाने के लिए सोच रहा था इसीलिए मैंने पूछा हाँ आपसे। नहीं, बिल्कुल, मैं भी ब्रिज के लिए सोचा एक दो बार, ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि एक लड़का है मुझे कॉल कर रहा कई बार, श्रीनिवास करके, पीईबी के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पीईबी में मेरे पास भी, तो कैसे मेरा 1 घंटा जाएगा, तो उसके लिए मेरे पास वो लोग होने चाहिए जो सीखना चाहते हैं, जी है सर ना, तो अभी जैसे कि मैंने ये 1 मंथ का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो इस 1 मंथ के प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी मेरे पास लोग हैं, उन्होंने बोल रखा है सर प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए, मैं एक्स वाई जेड प्लेस से सीख चुका हूँ, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उन लोगों ने बोला है तब मैंने इसको चालू कर दिया, ठीक है, ऐसे ही जिस दिन मुझे लगेगा ब्रिज में भी काफी लोग बोल रहे हैं उस दिन मेरे लिए करना समझदारी होगा, क्योंकि उसमें कैसे होगा, उसमें राजी मुझे फोर्स नहीं करना पड़ेगा किसी को कि जी क्या बोलते हैं नहीं, आप कर लो आपके लिए बेनिफिशियल है, मैं कभी करता भी नहीं हूँ, और क्या बोलते हैं, अभी मेरा 15 अप्रैल का बैच है, लोग पहले से ही सोच रखे हैं कि सर के बैच में मुझे पढ़ना है, उसका जी रीजन क्या सर, है, लोगों को पता है क्या मिलने वाला है सर के पास, ठीक है, तो जिस आप दिन ब्रिज का बिल्कुल शुरू भी, करेंगे तो मुझे जरूर बिल्कुल बताइएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल चलेगा, थैंक यू सर। ओके हाँ सर, सर, हाँ जी रुसा बोलिए, हाँ मेरा भी सर इंटरेस्ट है बीज में बीएम करने का, क्योंकि ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा हूँ वाडक और पुरे ट्रेन स्टेशन पे, ओके, तो ऐसी चीज अगर आप लाते हो तो बहुत बेनिफिट होगा बहुत सर। अच्छा रहेगा, अभी देखो मेरा एक स्टूडेंट है, आप लोग शायद लिंक्डइन पर उसको देखते होंगे, बड़ा अच्छा उसका फ्रेंड फॉलोअर है, राजेश सिंह करके, ठीक है, वो मेट्रो के अंदर ही बीम स्पेशलिस्ट है, ठीक है, कुछ लोग भी जी अगर लिंक्डइन चलाते होंगे अगर, तो आप लोगों ने देखा होगा उसका पेज का नाम, तो मुझे याद नहीं है ना, जॉब्स करके कुछ पेज का नाम है, और उसका खुद का फॉलोअर भी 50-60 हज़ार है लिंक्डइन पे, तो वो खुद भी बीम में ही काम कर रहा है, और भी दो तीन लोग हैं जैसे कि उत्कर्ष करके, उत्कर्ष श्रीवास्तव गुड़गांव का है, वो कानपुर में मेट्रो शायद बन रहा है क्या, उसमें कहीं पर मेट्रो में काम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, जो मैंने एग्जिस्टिंग बीम पढ़ाया उसी में उन्होंने अपग्रेड करके अपना काम चला लिया है बेशक, बट हाँ एक डेडिकेटेड होना चाहिए, विल प्लान समथिंग फॉर दैट, नॉट नाउ, प्लान में करेंगे, ठीक है सर, ओके ओके थैंक यू ओके सर। जी, ओके जी चलेगा, ठीक है हेलो गाइस, सर, हाँ जी तेजस बोलिए बोलिए, हेलो, हाँ जी आवाज आ तेजस, रही हाँ जी बोलिए, सर? मुझे एक सवाल पूछना था, ये मतलब अभी मेरे कंपनी में जो आईटीआई करके जो मतलब ड्राफ्ट्समैन लेवल के जो है हाँ वो बीआईएम में मतलब थे, और जो सिविल इंजीनियर थे वो मतलब पहले नहीं थे, अभी दो जन है, तो मतलब ऐसा होता है कि
अगर बीआई में जाना है, रेविट में जाना है, तो उनका कंपैरिजन ड्राफ्ट्समैन से किया जाता है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बीआईएम का एक ही प्रोफाइल पता है जिसका नाम है बीम मॉड्यूलर, ठीक है। आप किसी से पूछो अगर वो आईटीआई किया हो और बीम मैनेजर है क्या, नहीं ठीक है, नहीं मिलेगा। कोई बीम स्पेशलिस्ट है क्या, नहीं मिलेगा। बीम कोऑर्डिनेटर नहीं मिलेगा, बीम लीड नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा, बीम मॉड्यूलर, ठीक मॉड्यूलर। है। मॉड्यूलर एक बेसिक प्रोफाइल है ना, जैसे कि स्ट्रक्चर में तुमने कभी सुना है कि आईटीआई वाला स्ट्रक्चर इंजीनियर है, नहीं लेकिन बहुत ढेर सारे ऐसे सुने होंगे कि लोग आईटीआई में ड्राफ्टमैन कर रहे हैं, आईटीआई करके भी ड्राफ्टमैन कर रहे हैं, बीटेक करके भी ड्राफ्टमैन कर रहे हैं, डिप्लोमा करके भी ड्राफ्टमैन कर रहे हैं, राइट। राइट लेकिन वो बेसिक प्रोफाइल होती है, तो बेसिक प्रोफाइल में कोई भी एंट्री कर सकता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल की नीड नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे आप टेक्निकल जाते हो वहां पर डेफिनेटली वो रिलीवेंट कैटेगरी को ही उनको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक लेवल पर तुमने जो देखा हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग तुम सही हो, ठीक है, लेकिन हायर लेवल पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और चलो सर बोलो। अभी मुझे स्ट्रक्चर जैसे जॉब लगा तब मालूम पड़ा कि जो आर्किटेक्ट का स्क्वायर फीट का रेट है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ज्यादा है, मतलब उनका वैल्यू ज्यादा है और इंजीनियर का कम है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि क्या बोलते हैं, जितना आर्किटेक्चर का जो काम है वो जितना टाइम टेकन है, स्ट्रक्चर का काम उतना टाइम टेकन नहीं होता है, ठीक है। हमारा काम ऐसा होता है कि बिलीव करो कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स तो हम लोग बिना डिजाइन करे अगर बता दे और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर पे कर लो, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। हमारा काम, अब मेरा रेट आपको बता दूं, 5 रुपये स्क्वायर फीट हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन का करते हैं, 6 रुपये स्क्वायर फीट मॉडलिंग का है हमारा चार्ज, मेरा खुद का बता रहा हूँ, ठीक है, 1 ही रुपए का डिफरेंस है। पर प्रॉब्लम मॉडलिंग में जो होती है, मॉडलिंग में इतने नक्शे होते लोगों के, अब मैं डेप्थ में बनाऊंगा, तुम्हारे पास जाएगा, सर ये ना वो पड़ोसी से अच्छा नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे गांव में मेरे से अच्छा किसी घर ना रहे, मेरे सिटी में मेरे से अच्छा घर कोई, ऐसी रिक्वायरमेंट आती है। तो एक बार आया, दोबारा बना के भेजूंगा, बिलीव करो नहीं पसंद आएगा, फिर तीसरा बनवा के भेजूंगा, कितना मेरा लेवल लो जा रहा है ना, ठीक है। जी जी अब स्ट्रक्चर में तुमको क्या मतलब है, हमने डिजाइन किया, तुमको समझ में वैसे भी नहीं आने वाला है, ठीक है। हमारा काम है कि फेल नहीं होना चाहिए, वो हमने देख लिया, और अब हमें रिवीजन करने के लिए उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बोलेंगे रिवीजन करो कॉलम का साइज, अरे भाई हमको पता है क्या करना है। तो स्ट्रक्चर में जो टाइम बचता है वो आर्किटेक्चर में टाइम बढ़ता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो गलत नहीं है, उनका चार्ज 6 रुपये है, मैं खुद ही कर रहा हूँ उनका चार्ज 6 रुपये और 5 रुपये उनका, ये मेन डिफरेंस होता है, ठीक है, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलो और किसी का कोई एक बोलो बोलो। मतलब YouTube का एक वीडियो के लिए टॉपिक आपको बताना था। अरे वाह, एक नहीं मैं तो चाहूंगा 2-4 बताओ दे यार, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि यार पता नहीं क्या चाहिए लोगों को, क्या बताऊँ, तो इसलिए मैं भूल जाता हूँ। और ऐसे तो बता दो अभी, बट मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मेरे लिए बेहतर रहेगा उसके बाद भी, क्योंकि भूल जाता हूँ, ठीक है, उम्मीदवारी यही है, बट फिर भी बता दो, अच्छा लगेगा मुझे वो बनाने के लिए। मतलब होता क्या है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम क्या है वो समझ में आता है, मतलब कि स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करना होगा, लेकिन बीआई में काम क्या रहता है वो वही समझ में नहीं आता। मतलब अभी ऐसा क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे हाइप भी होता है कि बीम में बहुत स्कोप है, बीम में पैकेज ज्यादा है, लेकिन हाँ, बीम में है क्या एक्चुअल में? बीम में होता क्या है एक्चुअल में ना, हाँ और जो वही हाइक करते हैं वो एमबीए वाले लोग होते हैं ज्यादातर, ठीक है, उनको खुद ही नहीं पता होता है कि होता क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब ये दिक्कत होती है, मैंने भी देखा हुआ है एक दो लोग ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन अभी कल परसों किसी ने मुझे फोन किया कि मेरी काउंसलिंग हुई प्रॉपर, मेरा वेटिंग लिस्ट कंप्लीट हुआ, और मतलब उसमें वेटिंग लिस्ट भी चलता है आजकल ऐसे कुछ लोगों के साथ, मतलब ये स्ट्रेटजी होती है एमबीए वालों की, ठीक है। और तो मेरा मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है सर, और मेरा फी जो है वो 2 लाख है, और मुझे इतने परसेंट की स्कॉलरशिप लगी हुई है, मैंने और स्कॉलरशिप के बाद मेरी फी कुछ 1,40,000 के आसपास है किसी एक पर्टिकुलर कोर्स का। तो मैंने बोला कि यार वो अगर क्या बोलते हैं, मान लो कि अपने कोर्स को मैंने 20,000 का जगह 30,000 कर दिया, और उसके बाद मैं तुमको स्कॉलरशिप दे के 20,000 ले लेता हूँ, कि फीस तो 20,000 है, बराबर समझ गए, तो बेवकूफ कौन मैं कि तुम, ठीक है। अभी उसको समझ नहीं आया, तो फिर मैंने और डेप्थ में उसको समझाया, फिर मैंने उसको बताया, उसने बताया कि सर क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला कि 101% जॉब की गारंटी होगी। मैंने बोला कि अगर 101 है तो 100 क्यों नहीं है, ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं, ऐसी बात है कि तुम्हारे बिना पढ़े बिना तुम्हारे नॉलेज के 101% वो जॉब की गारंटी देते हैं, तो चलो मैं एक बेट देता हूँ, ऊपर वाले की दया से मेरे पास भी काफी पैसा है, मैं 10 लाख दूंगा,
10 लाख रुपए दूंगा, उसको बोल दो मेरी जॉब लग जाएगी उसके बाद दूंगा, मैं दूंगा तुम्हारी फी, ठीक है। तो ये सब मार्जिन स्ट्रेटजी है। अब क्या होता है, अब ये 10 लाख बोलने के लिए भी, पहली बात हम स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास होता नहीं है ना। दूसरी चीज, इस तरीके की चीजें जो होती है वो अभी इन लोगों को सब्जेक्ट होते होंगे, मैं तो एमबीए किया नहीं तो मुझे क्या पता, साइकोलॉजी लेवल के कुछ इनके सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो बिजनेस चलाता है, ठीक है, और उसने बोला, किराना की दुकान है उसकी, तो कल मेरे साथ वॉक कर रहा था, मैं बोलता यार बड़ा दिक्कत हो रहा है, ये मॉल वाले बड़ा दिमाग लगा लगा के हम लोग बेवकूफ बना दे रहे हैं। तो मैंने बोला तो तुम भी मॉल की तरह बेवकूफ, मतलब तुम भी मॉल की तरह काम करो, तो मतलब बेवकूफ बनाओ लोगों को। तो बोलता है कि यार नहीं पॉसिबल है। मैंने बोला तो करते क्या है ये लोग, तो उसने बताया बड़ी अच्छी चीज, मुझे पता ही नहीं था। उसने बताया कि मॉल के अंदर जैसे कि देखोगे तो 1 पर 1 ऑफ रहती है कई चीजों पे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने अभी एक मोबाइल लॉन्च किया यूनिक सिविल नाम से, अब किसी को मार्केट में तो पता नहीं यूनिक सिविल का मोबाइल कब से आ गया है ना। तो अब मैं गया किसी एक पर्टिकुलर मॉल के पास, तो मॉल बोलता है कि आपका प्रोडक्ट कितने का है, तो हमने बता दिया कि हमारा जो मोबाइल हमने बनाया हुआ है 10,000 रुपए का है। उन्होंने बोला इसका एमआरपी आप 20 कर दो, ठीक है, और 20 एमआरपी कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला आप इसको 1 पर 1 ऑफ कर दो, ठीक है, और वो गेट के सामने लगवा देंगे। मोबाइल तो चलो आदमी देखता है, बट कोई प्रोडक्ट होता है ना, तो आदमी सिर्फ क्या देखता है पता है, 1 पर 1 ऑफ। वो ये भी देखना भूल जाता है इसका प्राइस कितना होगा, और ये प्राइस रिलीवेंट है कि नहीं रिलीवेंट है उसका देखना, वो बड़ा सा लिखा रहेगा बाई वन गेट वन, हाँ हाइलाइट ठीक है। आपका फोकस उस पे जाएगा ना, कि आपका फोकस जाएगा 20, 20 के हिसाब से इसका फीचर क्या होना चाहिए, दूसरी कंपनी क्या फीचर दे रही है, क्या फीचर का पैसा है या फिर कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी है। तो मैंने उसको, मैंने वही उसने मुझे समझाया कहा भाई कि वो प्रोडक्ट उतने का ही रहता है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं उसको एमआरपी बढ़ा के उसको ऑफ कर देते हैं और इनका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। और अब दुकान में क्या होता है, दुकान में वो चीजें वो पब्लिश नहीं कर सकते, उनके दुकान में रखा हुआ है, छोटी दुकान है ना। मॉल में तो क्या होगा, तुम घूम के देख रहे हो बाई वन गेट वन का बोर्ड लगा हुआ है, तरह तरह की चीजें हैं, बट उनके यहाँ देख नहीं पाते हम लोग। इसलिए बोला कि यार मतलब उसका दुकान एक मॉल के सामने है, ठीक है, तो वो सोच रहा है दुकान कहीं और शिफ्ट कर दें, क्योंकि मॉल रहेगा तो उसका सेलिंग कम हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे तो बहुत लोगों के साथ होता है, एक लोग तो ऐसे थे, पड़ोस में ही है उनका, मॉल के सामने ही उनका घर है, ही इज नो मोर, ठीक है, ओल्ड थे और उनके घर का खर्चा चलना बंद हो गया ड्यू टू मॉल। अब ये आप लोग समझ पाओ तो समझ पाओ, मेरे लिए बड़ा असहज था वो, कि क्या बोलते हैं, वो नहीं रह पाए, अपने घर का खर्चा नहीं चला पाए, लोन वगैरह था उनका सिर्फ मॉल की वजह से। एक मॉल खुलने से कितने लोगों को रोजगार जाता है, इसका आइडिया बहुत डेप्थ में कोई जानेगा तो समझेगा। वो नहीं रहे, 55 साल में उनको टिकट कट गया एक तरीके से बोलो तो ऐसा हो जाता है, ठीक है जी। तो इस सब मार्केटिंग से थोड़ा बच कर रखना चाहिए अपने आप को। बोलो और आगे। सर एक मतलब एक मेरा दोस्त था, वो प्रीकास्ट में था, पहले रेविट पे ही काम करता था। करेक्ट, तो वो अभी स्ट्रक्चर में आया, तो बोल रहे कि बीएम में कुछ नहीं, मतलब पैकेज ज्यादा वगैरह ऐसा बोलते हैं, ऐसा है नहीं कुछ। तो मतलब समझ भी नहीं आता कि कौन मतलब सही बता रहे। रैमबॉल का उस पे चले जाओ ना, अपना एक वेबसाइट है, नो सुना है तुमने, glassdoor.com, glassdoor.com पे चले जाओ, ambition.com पे चले जाओ, वहां पर जस्ट सर्च किया करो, ठीक है, ना मेरी बात मानो ना किसी और की बात मानो, ठीक है। सिंपल दोस्त तुम्हारा गधा है, क्यों, प्रीकास्ट से जा रहा है स्ट्रक्चर पे, राय दे रहा है बीआईएम का, वो उस पराठे का दम बता रहा है, उस पराठे के बारे स्वाद बता रहा है जिस पराठे को उसने खाया ही नहीं, बराबर ठीक है। तो उसकी बात तो बिल्कुल मानने लायक ही नहीं है, दो कौड़ी की छोड़ दो, मेरी भी मत मानो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से तुमसे जुड़ा हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो लेकिन जो एक ट्रस्टेड वेबसाइट्स है उन पे भरोसा किया जा सकता है, जिनपे करोड़ों लोग विश्वास करते हैं, ambition.com, glassdoor.com। अभी तुम लोग नए हो प्रोफेशनल करियर में तो पता नहीं होगा, बट बहुत फेमस है, लिंक्डइन वगैरह तो अभी आया है ना, इससे पहले यही लोग चलते थे। तो आप ambition.com पे जाओ, वहां पर जस्ट सर्च करो बीम, और वहां पर दिखाएगा एवरेज पैकेज, क्या दिखाएगा, एवरेज पैकेज। उसके बाद नीचे सर्च करो बीम की सारी कंपनियों की लिस्ट आएगी, मैं आपको 1 महीने के कोर्स में सिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी कंपनी कैसे सर्च करना, तो उसमें ambition.com भी एक चैप्टर है हमारा। तो ambition.com पे जाओ, किस कंपनी का क्या एवरेज पैकेज है वहां प्रॉपर लिखा हुआ है, ना मेरी मानो ना दोस्त की मानो, उसकी मान लो, कंप्लीट हो जाएगा काम, ठीक है, जी सर। ठीक है। बट मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बता दूं, एवरेज पैकेज जो है वो
4, 4.5 से 5 के बीच में, सर्च कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट भाई, बोलो बोलो बोलो। कॉल पे अगर मतलब कंसल्टिंग कंसल्टेशन लेना होगा आपका तो कॉल कब कर सकते हैं? ठीक है, मतलब रेगुलर बेसिस पर नहीं, एक आध बार करना है तो कर सकते हो, क्योंकि अभी रेगुलर बोल लूंगा नहीं कर पाया, उठा पाया कॉल, तो आप ही लोग जाके कहीं ना कहीं रिव्यू चिपका दोगे, बात ही नहीं करते, लेकिन करूँ क्या। ठीक है, मेरा ज़्यादातर लगभग 8 से 9 घंटा क्लास में चला जाता है, उसके बाद मेरे खुद के काम होते हैं। ये मेरा नंबर है, मैं दे रहा हूँ, एक आध बार करना तो अच्छा लगेगा। 9 से 11 के बीच में मैं वैसे फ़ोन ज़्यादा उठा लेता हूँ, 9 से 11, हाँ मॉर्निंग में। इवनिंग में अगर 6 से 12 के बीच में करोगे कभी फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा, रीज़न क्या रहता है, उसके पास उसमें पूरा क्लास में रहता हूँ, तो कोई स्वाभाविक चेंज वही मतलब ही नहीं निकलेगा। अभी कई लोग फ़ोन किए मुझे साइलेंट पर, एक मोबाइल का रिंग भी बजा है, बट नहीं रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी क्लास ख़त्म होते मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग तो मेरी एक पर्सनल क्लास भी थी 8-10 बजे, उसको भी कट करवा दिया, चलो मैनेज हो जाएगा, तो हमारे ओल्ड स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या बोलते हैं, ओके हो गया तेजस आपको क्लियर? जी सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, और सर, हाँ जी बोलिए, वो एक मिनट ऋषभ का ले लेते हैं, फिर साहिल, फिर अरबाज। यस ऋषभ बोलिए। सर ये डाउट सेशन कब रहेगा सर? डाउट सेशन किस तरीके? डाउट सेशन लाइक ये कल भी रहेगा, रिकॉर्डेड कल लेक्चर भी? जिन्होंने लिए है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। देखिए रिकॉर्डेड के लिए मैंने प्लान किया हुआ है कि मंथ में वन टाइम करेंगे, क्योंकि रीज़न क्या होता है ना ऋषभ, उसमें बीच में हमने जैसा किया था एवरी डे किया हुआ था, बट लोग ही अटेंड नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि ये लोग पढ़ के नहीं आते ना। अब मेरे से कोई कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तुम मेरे से क्वेश्चन पूछोगे क्लास में, मैं नहीं बताता ऐसे, मेरे स्टूडेंट्स को पता है, करके आओगे दिखाओगे उसमें पूछोगे तो मैं बताता हूँ। अब वो तो कोई करने से रहा, ठीक है, रिकॉर्डेड इसीलिए गड़बड़ होता है कि लोग करते नहीं है। और जैसे कैसे होता है देखो ऋषभ, खुद से मना के क्वेश्चन पूछना हो तो लाखों क्वेश्चन है ना, लेकिन काम करके जी क्वेश्चन बहुत कम हो जाते हैं, और मैं उन्हीं के आंसर कर पाता हूँ क्लास के अंदर। तो क्या बोलते हैं, इसके लिए ऐसे करने वाला हूँ कि संडे संडे कैसे, बट मंथ में एक ही संडे, क्योंकि रेगुलर नहीं है, तो जो लोग रेगुलर हैं उनको पहली बार तो डाउट आता ही नहीं। अगर मेरे लेक्चर को कोई ध्यान से देखता होगा, और तुमने भी देखा होगा, तो उसमें लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है, हाँ तो सर, बहुत उसमें बार डाउट क्लियर हो क्वेश्चन, जाते बहुत से। हाँ, तो 95% 96% मेरे सर्वे के हिसाब से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, जी बाकी सर, 2-4% जो बचते हैं, फिलहाल तो आपके पास यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है आज के टाइम पे, बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा सोर्स डेफिनेटली मैं संडे, वंस अ मंथ संडे करने वाला हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक हमारा ऐप यू। रेडी हो गया, अभी एक नया ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया, अपडेट करोगे तो आ जाएगा तुम लोग को भी, तो उसमें अभी ऐसा करने के प्लान किए हैं। चलो साहिल का क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा मुझे विराम देना पड़ेगा। हाँ जी साहिल बोलिए। सर अभी मैंने जैसे कहा था ऑटोकैड बहुत बेसिक लेवल पे आता है, कोई तो दिक्कत नहीं, अभी मैं सीख लूं या आप जो उन्नंग का है उसमें देखो जो तैयारी हो ऑटोकैड, जाएगी? ऑटोकैड जो है क्या बोलते हैं, मैं आपको प्लान दे देता हूँ, ठीक है कल। ठीक है, ऑटोकैड का ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि बीम के अंदर ऑटोकैड का एक्चुअली काम नहीं होता है, सिखाया क्यों जाता है, हाथ की सेटिंग के लिए, हाथ की फिनिशिंग भी इंपॉर्टेंट है ना। जी ठीक है, सर, हाथ की फिनिशिंग के लिए सिखाया जाता है, आपको चाहिए होगा तो हम एक दो प्लान आपको भिजवा देंगे, उनको बना के प्रैक्टिस कर लेना, बहुत है उतना। ठीक है, सर और बाकी ऑटोकैड का मैंने हमारा एक नोट्स है, वो हम आपको दे देंगे, उसके बाहर से ऑटोकैड में कुछ होता नहीं है। क्लियर? सर, जब भी ये मंथ का जो कोर्स है वो रिकॉर्डेड है कि सब लाइव चलेगा? सर लाइव रहेगा वो, तो लाइव रहेगा, गाइड का कोर्स है वो तो, हाँ। और सर मैं अभी जो बीम के साथ तो प्राइमा वगैरह कुछ रिलेट कर पाता है क्या सर? कुछ नहीं है करता ना? है करता है करता है, लेकिन वो हायर लेवल पे करता है, अभी आपकी जरूरत भी नहीं है। ठीक ठीक है, है सर, जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो होता है, उसको एक बनाना पड़ता है कि कब हमारा काम कंप्लीट कितना हो जाएगा। हाँ ठीक है, सर पता है उसके उसके बारे में। लिए क्या बोलते हैं, प्राइमेरा या फिर एमएसपी, और एक और सॉफ्टवेयर, अभी इन हाउस कई सॉफ्टवेयर है वैसे तो, बट प्राइमेरा और एमएसपी मेन सॉफ्टवेयर है जिस पर लोग बनाते हैं, बट उसकी ज़रूरत आपको अभी तो एटलीस्ट 3 साल तो बिल्कुल नहीं है। अगर सीखेंगे तो प्रॉब्लम ऐसे अभी मिल रहा है फ्यूचर तो में सीख सीखो ना, लूंगा। फ्यूचर में सीखो, हाँ अगर ठीक है, अगर 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 मिल रहा है तो सीख लो, उसमें बुराई क्या है। हाँ वही सर, वही ठीक जानना है, था, अभी मिल रहा है लेकिन तो सीख लूँ क्या, पूछ हाँ, रहा था। लेकिन 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 फोकस बढ़ाओ उन पे जिनका अभी तुम्हें हाँ ज़रूरत है। वही कर रहा हूँ सर, अभी आर्किटेक्ट इस पे रेवेट पे ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और यस, नैविस बिम 360 रहेगा कंपल्सरी है क्या सर? का सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बीएम 360 भी अभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको जो आपका बीम कोऑर्डिनेटर होता है वो चलाता है। जी ठीक है, सर, कोऑर्डिनेटर आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए वो यूज़ करता है, बट आपको मिल रहा है तो मुझे लगता है सीखना चाहिए। अभी फ्रेशर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो जो अभी रेविट है, रेविट नेविस रेविट और नेविस वाला वर्क बस। ठीक है, बस इसके अलावा तीसरा कुछ अगर अल्टरनेटिव देखना चाहते हो तो टेक्ला टेक्ला। ठीक है सर, अभी बस, ये तो नेविस वर्क और रेविट तो बहुत चल जरूरी रहा है, है सर, कोई प्रॉब्लम कंपल्सरी नहीं है, बस, अभी बस टेक्ला ट्राई करता हूँ सर, अभी चलेगा। सीखता हूँ। ओके जी, सर स्ट्रक्चर का ड्रॉप गाइड आने वाला है क्या सर?
स्ट्रक्चर का क्या आने वाला है, हाँ इसका ना, जंप हाँ राइट। इसका भी करने वाले स्ट्रक्चर का भी, लेकिन अभी क्या बोलते हैं इसके होली के बाद करेंगे। रीजन ये रहेगा कि होली में काफी लोग रहेंगे तो होली के बाद करने का प्लान है इसका, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर का ही सोचा था, बट फिर देखो जॉब ओपनिंग्स इंपॉर्टेंट है ना इसके लिए, फिर हमने गूगल किया कि किसकी ओपनिंग ज्यादा है, तो तुमको भी पता है हमको भी पता है बीम की ओपनिंग ज्यादा थी, इसलिए पहले बीम स्टार्ट किया है, बट स्ट्रक्चर का भी करेंगे 25 के बाद, ठीक है। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, कोई लेफ्ट हो नहीं, सकता हूँ ना सर कुछ, हाँ अभी और बिल्कुल, नहीं आप नहीं दे हो गया, सकते, बस अभी नॉलेज कुछ दे रहे हो क्वेश्चन, क्या? नहीं, हो गया, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आप लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद, कुछ नया सीखा थैंक यू होगा। सर, थैंक यू ओके सो जी, मच। अरबाज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो अरबाज बोलेंगे सर मैं लेट आया तो भी मेरा क्वेश्चन नहीं लिया आपने। यस अरबाज बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वो सर थोड़ा रमजान चल रहा है ना, इस वजह से नहीं क्लास कर पाया सर। मुझे पता है तो सर काफी मैं रीजन बोल रहा था, पड़े। हाँ सर मैं बोल रहा था कि वही रमजान के लिए कि मैंने अपना शिफ्ट चेंज करवा दिया हूँ, कुछ भी अच्छा अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ बीपीसीएल पे। ओके तो सर ये जो कोर्स है तो ये फर्स्ट टाइम में स्टार्ट होगा 10 बजे इसको से। इसको इसीलिए इसी टाइम पे रखा ही है, मेरे पास एक समय फ्री था इवनिंग में, 6 से 7 फ्री है मेरा, अभी भी फ्री है, ठीक है। लेकिन अच्छा मैंने सोचा कि अगर 6 से 7 रख दूंगा तो एक तो रमजान की वजह से लबल लोग थक जाते हैं शाम तक में, और उसी समय रोजा खोलने का भी समय हो जाता है ना, तो मैंने बोला सर कि लोग उसमें दूसरे माइंड सेट में रहते हैं तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसीलिए मॉर्निंग में रखा हुआ इसका क्लास तो नहीं कर पाएंगे सर, तो सर रिकॉर्डेड क्लास मिल सकता है क्या? इसका। रिकॉर्डेड मत करो, उसमें तुम्हारे पैसे की बर्बादी होगी, क्योंकि इसमें ना लाइव का ज्यादा रोल है, आज आपने किया अच्छा क्या इसका रोल है, और करके उसमें कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा। अगर कर सकते हो तो मॉर्निंग में 10 से 11 लाइव करो, और लाइव नहीं हो सकता तो रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, बट तुम्हारा घाटा है उसे मत करो, ओके सर। ठीक है। और सर बोल रहा था कि सर मैंने आपको अपना मेल और अपना रिज्यूम और पोर्टफोलियो मेल करता हूँ, तो सर आप जिस टाइम बता रहे थे ना कि पोर्टफोलियो और रिज्यूम किस तरह मेल करते हैं कंपनी को, शायद मैंने मिस कर दिया था, तो आप एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा देख के थोड़ा। चलेगा, ठीक, पक्का कर दूंगा, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पर एक बार हाय करके कर देना, व्हाट्सएप पे ही भेज देना, ठीक है, अच्छा ओके सर। चलेगा। ओके हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, मोहम्मद बोलिए रजी बोलिए। रजी रजी, सर, सिविल 3D बिलिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं क्या, अर्थवर्क वगैरह के लिए रेलवे में? अर्थवर्क अर्थवर्क के लिए करते हैं, बिलिंग के लिए नहीं करते हैं। सिविल 3D का मेन काम कंटूरिंग वगैरह को देख के उसके हिसाब से ड्राइंग को बनाना, ठीक है। तो एक अच्छा तरीके से GIS का सॉफ्टवेयर है, बट GIS नहीं है, GIS एक अलग सॉफ्टवेयर है। GIS क्या होता है अगर आप लोग पता हो तो, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जी, उसका एक अलग सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। और अमेजोन वगैरह जो, गूगल वगैरह जो यूज करते हैं ना मैपिंग वगैरह करने के लिए, वो एक जी अलग सर, एंगल है। बट इसका जो सिविल 3D का मेन काम जो है कंटूरिंग वगैरह करना, कंटूर के हिसाब से प्लान वगैरह करना, ठीक है, इन सब के लिए यूज में आता है। ओके थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है गाइस, सबको गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय दिया, एंड जिसको भी क्या बोलते हैं जैसा भी कुछ कांटेक्ट करना रहेगा, ये देखो ग्रुप वगैरह में आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी का कुछ रह गया क्या क्वेश्चन? आशीष कुमार कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं ओके जी, ठीक है, माइक ऑन था। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू टुमारो, कल शायद हम लोग रखेंगे, कल फ्री हूँ मैं तो मैं सोच रहा हूँ कल फिर से करेंगे, ठीक है। मजा ही आता है, कुछ ना कुछ नया आपसे सीखने को मिलता है, मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है।